start. Ready? Continue. Come here. स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक नहीं, अगले टॉपिक काफी दिनों तक चलेगा और मेन पर्पस है PT 365 और मेजॉरिटी ऑफ पर्सनालिटी गले की हड्डी है, नजर थोड़ा ऊपर आ रही है ना नीचे जा रही है। तो PT 365 में स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स है। और सबसे ज्यादा जो बुरी बात है वो यही है कि लिखा कुछ होता है, होता कुछ है और पढ़ा कुछ और जाता, समझा कुछ और जाता। The point is that कि PT 365 को हम कंप्लीट करेंगे और कोशिश पूरी ये रहेगी कि एक दिन में वन डे वन सेगमेंट को कंप्लीट करा लिया जाए। वन डे वन सेगमेंट प्रैक्टिकली इट इज नॉट वेरी पॉसिबल, बट आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट इसको कंप्लीट करा दें। एक दो चीजें आप लोग के लिए बहुत इंस्ट्रक्शन जरूरी है कि यहाँ पर क्लास करने से आने से पहले आपको वो सेगमेंट पढ़ा होना चाहिए, अन्यथा सब यहाँ से जाएगा। बिकॉज हम अब उसको एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करेंगे, हम सिर्फ स्टिक करेंगे पूरी तरीके से बुक पे। इट मींस कि जैसे ये बुक है, हम पूरी बुक के लाइन पे रह जाएंगे, लाइक जो आपके लिए जरूरी है, जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा हम उसी पर फोकस करेंगे लाइन बाय लाइन। और जहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आपको निगलेक्ट करनी है वो भी आपको इसी के तहत बताया जाएगा पूरी बुक के तहत। तो पॉइंट ये है कि इसको कैसे बेस्ट पॉसिबल मैनर में हम अपने लिए यूज कर सकते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। उन्हीं सब चीज के लिए पूरी कोशिश रहेगी। और आज समझ लो 365 का इकोनॉमिक का ये पहला लेक्चर है और पहले लेक्चर में जो सबसे पहले बार जो पहला टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है विदाउट एनी डिले टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक है वो आप लोग को पता है GDP और जीए में गैप है। पहला टॉपिक जो कि आपके उसमें मेंशन है उसका पहला टॉपिक है कि जीडीपी और जीबीए में एक गैप पाया गया है। ठीक है, तो पॉइंट ये आता है कि इससे मतलब क्या है। ऑब्वियस बात है पढ़ा होगा, ये पहला टॉपिक है जीडीपी और जीबीए के जो डेटा है उसमें गैप आया है और ये गैप थोड़ा वाइडर हो गया। तो पॉइंट ये है कि अब इसमें से हम क्या निकालें, हमारे लिए क्या प्रॉफिट। अगर आप बुक पढ़ने बैठोगे तो बुक पढ़ने में आपको ये लगेगा जो आपके नोट्स हैं PT 365 की जो मैगजीन है उसमें आपको सब इम्पोर्टेंट लगेगा क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत कंसाइज है। अब इस पूरे टॉपिक में ऑब्वियस बात है हम क्वेश्चन आंसर बेस पे भी बात करेंगे। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि आप लोग बेसिक जीडीपी और जीबीए के बारे में पढ़ लिया है, यहाँ तक उसके क्रक्स के बारे में ही बात करें और आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है उसको बेस्ट पॉसिबल मैनर में उसको कम्प्लीट करना है। ठीक है, अब इन इन चीजों से हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं अगर इस मैगजीन में देखें तो क्या है न्यूज, क्या है कि जीडीपी और जीबीए का जो गैप है वो बहुत वाइडर होता जा रहा है। मतलब जीबीए का एक कुछ डेटा होगा इसी तरीके से जीडीपी का कुछ डेटा होगा, इसमें क्या आ रहा है गैप बहुत हो गया है, बहुत गैप हो गया। अब इसका मतलब क्या है, इसका एक ब्रॉडर कंटेक्स्ट होगा। इस ब्रॉडर कंटेक्स्ट को समझने के लिए पहले एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन देखते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, साथ में रहना, अगर सावधानी हटेगी दुर्घटना घट जाएगी। इट्स टोटली अप टू यू कि आप कैसे उसको मैनेज करते हो। अगर मैं बेसिक सा तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जीडीपी एंड द जीबीए, एनीवन कैन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द जीडीपी एंड द जीबीए, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द फुल फॉर्म, जितना पूरे फाइनेंशियल ईयर में जो वैल्यू आपने ऐड की है किसी भी इंस्टीट्यूशन की हो सकती है, किसी भी इकोनॉमी की पूरी हो सकती है। अगर हम बात करते हैं जीडीपी की तो जीडीपी क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में किसी एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर जितना भी फाइनल आउटपुट हो रहा है उसकी मॉनेटरी वैल्यू, ये जीडीपी है, सिंपल फॉर्मूला है। अब जो जीडीपी को काउंट किया जाता है, जीडीपी को मेजर किया जाता है, उसके तीन चार तरीके, जैसे एक होता है इनकम मेथड,
एक होता है इनकम मेथड, दूसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड, ये पता होगा ना, और तीसरा होता है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड द वैल्यू एडेड मेथड। और ये जो वैल्यू एडेड मेथड है इसी से ही हम ड्राइव कर लेते जीवी। इट मींस कि जो वैल्यू एडेड मेथड है जिसके जरिए से हम जीडीपी को ड्रॉ करते हैं वहां पर जीवी का कांसेप्ट इंपॉर्टेंटली आता है। अब जीवी क्या है, बस इसको एक और छोटा सा एग्जांपल देंगे, सिंपलीफाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लो कि कोई एक फार्मर है, आई होप कि दिख रहा होगा सबको, ठीक है। फार्मर ने एक ब्रेड को प्रोड्यूस किया, मतलब कि क्या नाम है, एक आटे को उसने प्रोड्यूस किया। तो मान लो कि उसने इनपुट कॉस्ट जो थी, इनपुट कॉस्ट, आउटपुट और वैल्यू एडेड, ध्यान रखो, मान लो कि उसने कुछ रुपया नहीं लगाया, लेकिन ये गलत है। और मान लो कि उसने 100 रुपए का गेहूं या आटा प्रोड्यूस कर दिया, ऐसे गलत है क्योंकि यहां पर फर्टिलाइजर या सैनिटाइजर कुछ मिला होगा। अब कुछ ना लगा कि उसने आउटपुट कितने का प्रोड्यूस किया, 100 रुपए का, तो वैल्यू एडिशन कितना हो गया, 100 रुपया। अब फार्मर के पास, फार्मर से किसने खरीदा, बेकर ने। तो बेकर ने क्या किया, ये आटा खरीदा जिसका आउटपुट था, तो आटा कितना, अब इसने इनपुट कॉस्ट कितनी लगाई, 100 रुपीज, और उस आटे को उसने किस पे कन्वर्ट कर दिया, ब्रेड में, और उसका टोटल आउटपुट कितना हो गया, 200 रुपया। मतलब कि 100 रुपए का उसने आटा खरीदा, बाकी और भी चीजें मिलाकर उसने आउट ब्रेड कितने की बना दी, 200 रुपए की। तो कितने का वैल्यू एडिशन हुआ, 100 का, क्योंकि ऑलरेडी 100 तो इसमें एवैल्यूएशन हो ही चुका था, सेम इज इट। अब इसके बाद ये चलेगी किसी कैंटीन के पास ब्रेड। अब जब कैंटीन के पास ये ब्रेड चली गई है तो आउटपुट कितने का हुआ था, बेकर का, 200 रुपए का, तो ये इसका क्या हो जाएगा, इनपुट। और उसने लोगों को सर कैंटीन में क्या होता है, आपको ब्रेड पकौड़ा दे रहे हैं, ब्रेड ऑमलेट दे रहे हैं, तो कल करा के कैंटीन में मतलब ये कि मान लो कि 300 रुपए का हो गया, कितना वैल्यू एडेड हुई, 100 रुपया। टोटल वैल्यू एडिशन कितना हुआ पूरे उसमें, 300। और किस चीज में वैल्यू एडिशन हो रहा है, गेहूं में, गेहूं से क्या बना आटा, आटे से क्या बना ब्रेड, ब्रेड से क्या बना लोगों को मिल गया। अब बताओ जीडीपी किस पे काउंट होगी, फाइनल कितना है, 300। नियरली आइडेंटिकल है, इट मींस कि वैल्यू एडिशन, ग्रॉस वैल्यू एडिशन कितना हुआ, 300, जीडीपी कितनी है, 300, नियरली आइडेंटिकल है ना। अब क्या हुआ है, किसी वजह से जब भी अगर हम कुछ एक्स्ट्रा चीजों को इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो जीबी और जीडीपी नियरली सेम रहेगा, पास वाले क्वेश्चन करना। इसका मतलब कुछ तो हुआ है, ऊपर नीचे हुआ है, जिसकी वजह से जीडी, जीडीपी और जीबी में डिफरेंस आएगा। अब क्या होता है, मैटर रखना, अब इसके अंतर्गत कुछ तो चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से जीडीपी और जीबी में चेंज आता है, और ये चेंज जो होते हैं वो कुछ ज्यादा हो गए हैं जिसकी वजह से गैप बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसी वजह से न्यूज है। तो अगर लॉन्ग स्टोरी को मैं शॉर्ट करूं, उसमें बताने की ये कोशिश करूं कि जनरली अगर जीपीए और जीडीपी को अगर काउंट किया जाएगा तो दोनों नियरली सेम आएंगे, नियरली सेम आएंगे, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू रीजन कुछ ऐसी चीजें होंगी कि जिसकी वजह से जीडीपी और जीपी में वेरिएशन आएगा, और जो चीजें हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हीं को बोलते हैं कभी कभी नेट प्रोडक्ट टैक्सेस और नेट प्रोडक्ट सब्सिडी। इसी में और भी वर्ड होता है, एक होता है या नेट ना लगा के हम यहां लिख देंगे प्रोडक्ट टैक्सेस, प्रोडक्ट सब्सिडीज, प्रोडक्शन टैक्सेस, प्रोडक्शन टैक्सेस और प्रोडक्शन सब्सिडी। ये चार ऐसी चीजें होती हैं जिनकी वजह से आपके इसमें वेरिएशन आता है, और आपके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि इन चीजों को समझो। और अभी अभी ये लग रहा हूं कि ये मतलब डॉट को कनेक्ट नहीं कर पा रहा, आई एम श्योर, आई एम प्रीटी श्योर कि आपको डॉट को कनेक्ट नहीं कर पा रहा, बट एक चीज ये समझ गए होंगे, जनरली जीबी और जीडीपी में आइडेंटिटी होगी, एक समानता होगी, किसी वजह से इसमें वैरिएशन आएगा, और वो वजह क्या है, वो ये सब चीजें हैं, इन वजहों से इसमें वैरिएशन आएगा, लेकिन इनकी वजह से जब वैरिएशन बहुत ज्यादा हो जाए तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, और वही की वजह से ये न्यूज़ में है।
अब इस मींस कि इस पूरी चीजों को समझने के लिए हमको ये चीजें जानना समझ जरूरी है, साथ ही साथ कुछ और टर्मिनोलॉजी है जो इसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, बेसिक प्राइस है ना, फैक्टर कॉस्ट, तीसरा हो जाएगा मार्केट प्राइस। जब हम इन सारे कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तब हम इस चीज को पूरे तरीके से समझ पाएंगे। और आप यकीन मान लीजिए आपसे क्वेश्चन यही पर बनेंगे, बेसिक जीडीपी की डेफिनेशन आपसे नहीं पूछी जाएगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो अगर मैं लॉन्ग स्टोरी को थोड़ा सा शॉर्ट करूं तो कंडीशन ये है, न्यूज क्या है कि जीडीपी और जीवीए के अंदर वेरिएशन आया है, पहली बात। अब जीडीपी जीवीए में वेरिएशन आया है इसका मतलब क्या है, जीडीपी और जीवीए क्या होता है पहले हमें ये पता हो जाना चाहिए। जीडीपी का मतलब हम समझ गए थे, और जीवीए एक तरीका है कि जिसके जरिए हम जीडीपी को ड्रॉ करते हैं। जीडीपी को फॉर्म करने के तीन मेथड, इनकम, एक्सपेंडिचर और वैल्यू एडेड मेथड। और वैल्यू एडेड मेथड जो तीसरा वाला तरीका होता है वहां पर जीवीए का कांसेप्ट आता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। जब हम काउंट करते हैं तो दोनों आइडेंटिकल आते हैं, लेकिन इनमें जो गैप आता है वो इन चार मेजर चीजों की वजह से आ रहा होता है। और ये चार मेजर चीजें आप ऐसे पढ़ोगे तो हो जाओगे परेशान। इसको समझने के लिए आपको ये वाले कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, और मैं आई एम डैम श्योर अबाउट अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप समझ लो फिर जीडीपी जीवीए का एकदम खेल समाप्त हो जाएगा। आई होप कि आपको चीजें क्लियर होंगी, इसका हम लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो इसको मिटा देते हूं, यही बेसिक चीज आपको हर जगह मिल जाएगी, यही चीज पढ़ाई जाती है, यही चीज होती ही है, तो कुछ नहीं है। देखना अभी कॉन्सेप्ट होता है, बात स्टार्ट होती है फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट, उसके बाद आता है बेसिक प्राइस, और उसके बाद आता है मार्केट कॉस्ट, मार्केट कॉस्ट या मार्केट प्राइस। क्वेश्चन करना जब तक सारे चीजें समझ नहीं पाओगे तो लास्ट तक चीजें कनेक्ट नहीं होगी, ध्यान रखना। फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि किसी भी एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्रोडक्शन में लगने वाली जितनी भी कॉस्ट है। सपोज जस्ट इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाने में इसके प्रोडक्शन में जितनी भी कॉस्ट आई है वो उसकी फैक्टर कॉस्ट होती है। बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। अब वो कौन कौन सी चीजें होती है जो उसको बनाने में सबसे ज्यादा जरूरी होती है, ये आप लोगों को पता होगा जब बेसिक 12th क्लास के मैक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ लोगे तो इसमें आप लोगों को पता होगा। किसी भी चीज के प्रोडक्शन के लिए चार चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, लेबर, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। हाँ, लेबर को क्या देना पड़ता है, वेजेस, लैंड के लिए रेंट, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट, इसके लिए प्रॉफिट। इट मींस किसी भी चीज को बनाने के लिए इन चार ही कॉस्टों की जरूरत होगी, और जो किसी भी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करने के लिए जो ये चारों तरह की चीजें काउंट होती है उसी को हम फैक्टर कॉस्ट उसकी बोलते हैं। इट मींस अगर हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की फैक्टर कॉस्ट मुझे निकाली तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें कितना लोगों ने लेबर लगाया उसकी कॉस्ट निकाल लें, इसका जिस जगह पे बन रहा है वो निकाल लें, उसके अंदर कैपिटल कितनी इंटरेस्ट हुई वो लगा लें, किसने पैसा लगाया एंटरप्रेन्योरशिप वो सबको लगा देंगे तो उसकी एक फैक्टर कॉस्ट आ जाएगी। अब ये बेसिक सी चीज होती है, फैक्टर ये होता है कि फैक्टर कॉस्ट के बाद हम स्विच करते हैं बेसिक प्राइस के ऊपर। इनके पीछे रीजन क्या है ये सब चीजें आपको लास्ट में पता चलेंगे, बस हमारे साथ साथ रहिएगा। अब देखिएगा अगर हमें फैक्टर कॉस्ट से कहां पहुंचना है, बेसिक प्राइस तक पहुंचना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से देखना। फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी, अगर हम ये फॉर्मूला लगाते हैं तो उसकी वजह से हमें क्या निकलती है, बेसिक प्राइस। इस फॉर्मूले को जल्दी उतारो, ये उतार लो चूंकि आप लोगों के क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा। फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मतलब कि फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्सेस माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज। और दूसरा
पॉइंट होता है, दूसरा फॉर्मूला होता है जो इसी पे है, वो होता है बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी, और इससे हमारी निकल के आती है मार्केट प्राइस और मार्केट कॉस्ट। ये दोनों सूत्र से लिखो। के ऊपर ध्यान रखने की जरूरत है, अभी हम सब चीजों को समराइज करेंगे लेकिन फोकस करना ध्यान रखना। देखो यहां दो चीजें मैंने लिख ली हैं, एक लिखा हुआ प्रोडक्शन और एक लिखा हुआ प्रोडक्ट। यहां पर भी प्रोडक्शन है और यहां पर भी प्रोडक्ट है, दोनों में डिफरेंस देखना। जब कभी भी प्रोडक्शन टैक्स या प्रोडक्शन सब्सिडी के बारे में बात हो रही होगी तो यह ध्यान रखना यहां पर वॉल्यूम ऑफ एनी प्रोडक्ट मैटर नहीं करेगा। इट मींस आप कितना भी प्रोडक्ट बना लो उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो आपके ऊपर उतना टैक्स लगना है। जैसे सपोज दैट मान लो कि जैसे स्टैंप ड्यूटी होती है, मतलब ये आपके ऊपर टैक्स लगने ही लगना है। जैसे आप कोई पर्टिकुलर सामान है, 10 पर्टिकुलर सामान बनाए और एक जगह से भेज के दूसरी जगह जाना है, बीच में टोल टैक्स पड़ गया, तो टोल टैक्स देखेंगे पता है 10 बनाओ तो तुम्हारे इतना टैक्स, अगर 100 बनाया तुम्हारे इतना टैक्स, नहीं तुम वहां से गुजर रहे हो तुम्हें टोल टैक्स देना पड़ेगा। तो ऐसी चीजें जो कि वॉल्यूम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है, उस तरह की जो भी टैक्सेस होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन टैक्सेस मानते हैं। इसी तरीके से प्रोडक्शन सब्सिडीज भी है। अब जैसे प्रोडक्शन सब्सिडी का सबसे एग्जांपल फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर के ऊपर एक बोरी के ऊपर जो सब्सिडी मिली मिली होगी उतनी ही मिलेगी। अब ये नहीं कि 100 करोगे तो 100 रुपये ज्यादा मिल जाएगा, ठीक है, जितना डिफाइंड है उतना ही मिलेगा। तो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर जब चीजें डिपेंडेंट नहीं होती है और वो लगने वाला टैक्स जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन टैक्सेस। और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पर लगने वाले, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन पर जब कोई भी सब्सिडी डिपेंडेंट नहीं होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन सब्सिडीज। वो डिपेंड नहीं करता आप कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहे हो, वो उतना लगेगी लगेगी। इट मींस कि अगर हमें फैक्टर कॉस्ट, किसी भी चीज की फैक्टर कॉस्ट है बेसिक प्राइस पे आना है तो उसमें हमको क्या ऐड करना पड़ता है, प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी ऐड करना पड़ता है। एक एक चीज ध्यान रखो, एक ही चीज ध्यान रखो। तो प्रोडक्शन मतलब समझ गए, वॉल्यूम और प्रोडक्ट के ऊपर ही फोकस नहीं। अब दूसरा वर्ड हमने क्या कहता, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टैक्सेस और प्रोडक्ट सब्सिडीज लिखा था। तो यहाँ पर प्रोडक्ट का मतलब क्या है, यहाँ पे ध्यान रखना ये वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट होगी, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट होगी, डिपेंडेंट होगी। अब ये सब खाली ध्यान रखते हो तो इट मींस कि अगर हमें फैक्टर कॉस्ट से बेसिक प्राइस पे आना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर कॉस्ट में प्रोडक्शन टैक्सेस और प्रोडक्शन सब्सिडीज को जोड़ना घटाना पड़ेगा, इससे हमें क्या मिल जाएगा, बेसिक प्राइस। और अगर हमें बेसिक प्राइस से मार्केट कॉस्ट पे आना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिक प्राइस में प्रोडक्ट टैक्सेस और प्रोडक्ट सब्सिडीज को घटाना पड़ेगा। ये चीजें इसके अंदर है। अब देखो क्या हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि डायरेक्ट हम फैक्टर कॉस्ट से मार्केट कॉस्ट पे आ जाए, कुछ ऐसा हो सकता है, मतलब हम डायरेक्ट करें फैक्टर कॉस्ट प्लस मार्केट प्राइस पे आ जाए, पॉसिबल है? कैसे? इस मेथड के हिसाब से एकदम पॉसिबल। क्या करें, प्रोडक्शन टैक्सेस और प्रोडक्ट टैक्सेस को ऐड कर दें माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी और प्रोडक्ट सब्सिडी ऐड कर दें तो उसके लिए क्या निकलेगा, नेट। और ये क्या है, नेट टैक्सेस है, चाहे इसको डायरेक्ट टैक्सेस बोलो चाहे डायरेक्ट, तो ये क्या रहेगा, नेट टैक्सेस। मतलब हमने इन चारों की जगह पे क्या लिख दिया, नेट, नेट टैक्सेस। तो फैक्टर कॉस्ट में अगर हम लोग नेट टैक्स को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकलेगा, मार्केट प्राइस। अब हम ये फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस और बेसिक कॉस्ट क्यों पढ़ रहे, क्यों पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे, चारों चीजें सॉल्व करनी, अब लिख देता हूं।
देखो एज पर योर बुक, आपकी बुक में पूछा कि ये गैप आया क्यों, तो अगर आप अपनी बुक के पहले ही पेज पे देखोगे तो उसमें जो गैप आने की जो सबसे बड़ी वजह बताई है वो बताई क्या है कि जो जीडीपी होता है वो काउंट किया जाता है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस काउंट किया था, और जीडीपी किस पे काउंट किया जाता है, बेसिक प्राइस पे। इट मींस कि जो बेसिक प्राइस है वो क्यों यूज किया जा रहा है, जीवीए को काउंट करने के लिए, और जीडीपी को काउंट करने के लिए मार्केट प्राइस यूज कर रही है, और मार्केट प्राइस और बेसिक प्राइस कैसे कैलकुलेट होते हैं ये मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। इट मींस इसका मतलब क्या है, अगर इसमें ही तो मैनिपुलेशन हुई है तभी तो डेटा चेंज हुआ है, प्रोडक्ट टैक्सेस प्रोडक्शन सब्सिडीज, प्रोडक्ट टैक्सेस और प्रोडक्शन सब्सिडीज, इसमें ही तो मैनिपुलेशन हुई है तभी तो डेटा हमारा चेंज हुआ है। ठीक है, अब इसी के मैनिपुलेशन के ऊपर सारे खेल हो रहे होते हैं। तो पॉइंट ये है कि हम लोगों का जो ये गैप आ रहा है उसके पीछे रीजन क्या आपके बुक ने बताया है, चूंकि हमारी जो जीडीपी काउंट होती है वो मार्केट प्राइस पर काउंट होती है, और जो हमारी जीवीए काउंट होता है वो किस पे होता है, बेसिक प्राइस पे। तो आपके लिए जानना क्या जरूरत है, व्हाट इज बेसिक प्राइस एंड व्हाट इज द मार्केट प्राइस। इस पर अब क्या है, रही सी बात है, ये दो चीजें एक्स्ट्रा है ना, इसकी वजह से डेटा चेंज हो रहा है। अब इसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे और उसको समझ करके फिर पूरे टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब एक एग्जांपल, अगर आप जैसे मान लो कि हमारी इकोनॉमी हो गई $3 trillion हो गई, हमारी जीडीपी जो है $3 trillion प्लस हो गई, क्या रियल में अगर 3 से 5 हम पहुंच गए तो क्या रियल में हमारा प्रोडक्शन बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, ये चीज हम पता कर सकते हैं कि नहीं पता कर सकते, कैसे? Exactly this. अगर हमको ये वाले कॉन्सेप्ट नहीं पता, फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस और मार्केट कॉस्ट नहीं पता होगी तब तक हम इस चीजों को काउंट नहीं कर सकते। अगर हमको ये बात पता चल गई कि कैसे फैक्टर कॉस्ट, मार्केट कॉस्ट और बेसिक प्राइस निकलता है तब हम चीजों को काउंट कर सकते हैं। इसका एक बेसिक सा इलस्ट्रेशन है, इसको चाहो तो उतार लो जल्दी से, फिर उसका एक बेसिक इलस्ट्रेशन आप लोग एक्सप्लेन कर दें ताकि चीजें एकदम क्लियर हो जाए। मैं लिस्ट बनवा रहा हूं उसको भी देख लेना अभी, जब तक ये टॉपिक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक कहीं ना कहीं आप लोग को इसे तरह शुरू हो जाएगा। मान लो ये एयर है, ये है प्रोडक्ट, कौन सा चला 2022 तो 2022 और 2023 हमने बनाए थे 100 products और 2023 एकदम बनाते चलो ताकि एक्सप्लेन करना रहेगा। एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको पता चलेगा कैसे वेरिएशन होता है। देखो हमने दो साल लिए 2022 और 2023 में हमने माना कि 2022 में भी हमने 100 प्रोडक्ट बनाए थे इंडिया में किसी भी कंट्री में, और 2023 में भी हमने 100 प्रोडक्ट बनाए। 2022 में जब उसकी फैक्टर कॉस्ट वही लैंड लेबर ये सब वाली चीजें ₹10 थी, इसको बनाने में भी ₹10 थी, लेकिन 2022 में जो टैक्सेस पेंडेंट टैक्सेस, प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्ट टैक्स, प्रोडक्शन सब्सिडीज और प्रोडक्ट सब्सिडीज दोनों का मैनिपुलेशन, वो नेट टैक्स लिखा हुआ है, सबका मैनिपुलेशन के बाद टैक्स लिखा हुआ, उस समय कितना था 1, इस बार कितना है 5। तो देखो मार्केट प्राइस इनकी कितनी हो जाएगी, हमको पता है मार्केट प्राइस कैसे निकलती है, फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स नेट टैक्सेस निकलती है, हम यहां पे नेट टैक्सेस लिखते हैं, नेट टैक्सेस।
ठीक है, तो फैक्ट मार्केट प्राइस कैसे निकलती है, फैक्टर कॉस्ट में जब नेट टैक्सेस को ऐड कर देते हैं, और नेट टैक्सेस का मतलब क्या है, वही चारों चीजों का जोड़ घटाओ है। अभी एक सूत्र दिखा दे, तो टोटल मार्केट प्राइस कितनी होगी 11, इसकी कितनी होगी 15। अब देखो अगर हमको जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो प्रोडक्ट और प्लस फैक्टर कॉस्ट इन दोनों का क्या कर देगा आपसे मल्टीप्लिकेशन 1000 आ गई। अगर हमें मार्केट प्राइस में निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा 100 मल्टीप्लाइड बाय मार्केट प्राइस 1100 आ गया। ये बात समझ आई, बेसिक्स है। अब 2023 वाला देखो, प्रोडक्ट सेम, फैक्टर कॉस्ट सेम, टैक्स कितना हो गया, टैक्स गया है बढ़, तो अब मार्केट प्राइस इसकी कितनी होगी 15। तो मार्केट प्राइस जो 10 और 5 को ऐड करके तो 15 हो जाएगी। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैसे निकलेगी, इसको इसको काउंट करो 1000 ही है, लेकिन मार्केट प्राइस में जीडीपी कितनी है, दिस एंड दिस 1500। रियल में जीडीपी बढ़ रही, कितनी बढ़ गई, एक हिसाब से देखो तो यहां इतना वेरिएशन आ गया प्लस वेरिएशन आ गया, लेकिन यहां पे क्या वेरिएशन है, कुछ। इट मींस कि ये वेरिएशन क्यों आ रहा है, ये वेरिएशन आ रहा है नेट टैक्सेस की वजह से, बात समझ में आ रही, इसकी वजह से ये वेरिएशन आ रहा है। तो सबसे अच्छी बात कब होगी कि हमारी जीडीपी बढ़ रही है, जब हमारी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बढ़े, और फैक्टर कॉस्ट को बढ़ने के लिए ये चीज बढ़ना जरूरी है, प्रोडक्ट या इन सब चीजों में बढ़ना जरूरी है, बात समझ में आ रही। तो यहाँ पर बेसिक चीज अगर हम चीजों को समराइज करें तो बेसिक प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस, ये सब चीजें देखना जरूरी है। प्रोडक्शन टैक्सेस वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट हो नहीं होता है, और वो डिपेंडेंट होता है जितना वॉल्यूम प्रोडक्ट करोगे उसके ऊपर चीजें लगी होती है। अब एक चीज और है, एक मेथड जो आपकी बुक में ही दिया हुआ है, अब देखो ये बात समझ आएगी। अब जीडीपी का ही मेथड आपकी बुक में दिया हुआ है, समेशन जीवीए प्लस नेट प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस नेट प्रोडक्ट सब्सिडी, ये आपकी बुक में लिखा हुआ मेंशन है। इसका मतलब क्या है, जीडीपी कैसे काउंट होती है, मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बताया था कि जीडीपी और जीवी में एक रिलेशन है, जीवीए एक सेक्टर स्पेसिफिक होता है, और इस तरह के लगभग 8 से ज्यादा सेक्टर हैं जो कि जीवी का अलग अलग डेटा देते हैं। तो जो जीडीपी होती है अलग सारे सारे सेक्टर, समेशन का मतलब क्या होता है, अगर कुछ लोग मैथ से हैं, जैसे आप समेशन का मतलब होता है जैसे जीवी ए सेक्टर 1, जीवी ए सेक्टर 2, सारे सेक्टर को जब ऐड कर देते हैं तो ये वाला साइन समेशन का साइन लगता है, ठीक है। तो अगर आप लिखे जीवी ए 1 प्लस जीवी ए 2, इसकी जगह पे क्या लिखो, जीवी ए और समेशन का साइन लगता है। समेशन का साइन भी और भी होता है, एक से लेके लिमिट भी लगाई जाती है, मैथ पे नहीं चला। तो जीडीपी किसी भी कंट्री की कैसे निकलती है, सारे जीवी ए को ऐड करो और उसके अंतर्गत नेट प्रोडक्ट टैक्सेस, नेट प्रोडक्ट टैक्सेस का मतलब क्या है, प्रोडक्शन टैक्सेस और प्रोडक्ट टैक्सेस दोनों को ऐड किया गया, माइनस नेट प्रोडक्ट सब्सिडीज का मतलब क्या, सारे सब्सिडीज को ऐड करो और सारी सब्सिडीज को घटाओ, इनमें जो मैनिपुलेशन होगा उसके आधार पर हमारी जीडीपी निकल रही होती है। तो अब ये कुछ बेसिक बेसिक सी बात है जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी था। अब अगर पूरी स्टोरी को समराइज करें, साथ में रहना नहीं तो स्वागत रहते हैं कि दुर्घटना कर जाएगी, ध्यान रखना। न्यूज क्या है कि जीडीपी और जीबीए में आ रहा है डेविएशन, तो हमारे लिए जानना जरूरी क्या है कि व्हाट इज जीडीपी और व्हाट इज जीबीए। बेसिक डेफिनेशन आप लोगों को पता है कि किसी भी टेरिटरी में जो फाइनल आउटपुट होता है उसकी मॉनिटरी वैल्यू जो किसी एक बाउंड्री के अंदर हो साथ है, वो जीडीपी होता है। और जीबीए क्या होता है, जीबीए से हमको एक जो जीडीपी को काउंट करने के तीन मेथड है, उन्हीं में से एक मेथड है वैल्यू एडिशन वाला, और उस वैल्यू एडिशन वाले मेथड में क्या होता है कि हम लोग जीबीए का कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। जीबीए सेक्टर स्पेसिफिक होता है, और उसके अंतर्गत सेक्टर स्पेसिफिक होने के बाद जब हम सारे सेक्टर को जोड़ देते हैं तो उसी के समेशन से हमको क्या मिल जाता है, क्या मिल जाता है, जीडीपी मिल जाता है, जैसा कि फॉर्मूला है। लेकिन क्या होता है कि जीबीए हम अच्छा मैटर रहता है कि जब हम समेशन निकालने के बाद सबको काउंट ही कर दे रहे हैं तो अलग अलग निकालने की जरूरत है, होता क्या है कि हर एक अच्छा एक चीज और भी देखो, टैक्सेस और सब्सिडीज लगाने का जो प्रोसेस है, जैसे मान लो कि किसी के ऊपर प्रोडक्ट टैक्स लगाना है, जैसे किसी के ऊपर टैक्स लगाना, किसी को सब्सिडी देना, ऐसा क्यों किया जाता है, अगर हम डायरेक्ट जीडीपी इक्वल टू समेशन ऑफ जीडीए कर दें, इस वाले कॉन्सेप्ट को हटा दें, कोई बुरा नहीं है, इसको लगाने की जरूरत क्या है,
इसकी बेसिक जरूरत यही है कि कुछ चीजें ऐसी होंगी मार्केट में पैदा हो रही होंगी जिसको सरकार की तरफ से जरूरत होगी कि भैया तुम हमसे भी पैसा दो। अब जैसे कोई एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि सोलर सिस्टम पे काम करती है, सोलर के ऊपर, तो सोलर सिस्टम सोलर पैनल बनाने वाले सोलर के ऊपर काम कर रही, तो सोलर पैनल बनाने के लिए सरकार उनकी मदद करेगी ना, बिकॉज हमारे कुछ INDC है, तो सरकार मदद करेगी। कैसे करेगी? वो सब्सिडी देगी और क्या काम करेगी, टैक्सेस को कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश करेगी। इससे होगा क्या, प्रोडक्ट की कॉस्ट कम आ जाएगी, बात समझने की कोशिश करना। तो कहने का मतलब यह है कि इसकी वजह से कुछ कभी कभी हम अगर ये GVA ना होता तो हमको पता न चल पाता कि किस सेक्टर को किस तरह की किस चीजों की जरूरत है। तो GVA सेक्टर स्पेसिफिक होता है और GDP एक ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में बात कर रही होती है। इसमें वेरिएशन आना थोड़ा बहुत चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि वेरिएशन ज्यादा आ गया है इसी वजह से ये न्यूज में। तो पॉइंट ये है कि GDP और GVA का जो वेरिएशन वाला गैप है उससे हम कुछ पॉइंट डिड्यूस करेंगे। पॉइंट ये है, व्हाट इज GDP, व्हाट इज GVA, बेसिक डेफिनेशन आप जानते हो, थोड़ा बहुत रिलेशन हमें इस मेथड के हिसाब से करते हैं। इसको अच्छे से समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इन दोनों का आपस में रिलेशन कैसे होता है, और इन दोनों का रिलेशन पता करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज बेसिक प्राइस, व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट एंड व्हाट इज मार्केट प्राइस। क्यों? क्योंकि GVA और GDP की जो कैलकुलेशन है, जो GVA की कैलकुलेशन होती है वो बेसिक प्राइस पर होती है, और GDP की कैलकुलेशन किस पर होती है, मार्केट प्राइस पर होती है। बेसिक बेसिक सी चीज है ये, बात आप लोगों को कहीं ना कहीं पता होना चाहिए। अब एक दो चीज होगा, GVA का डेटा पब्लिश कौन करता है? NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ रही है? MoSTI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। GVA का डेटा जो पब्लिश किया जाता है ये कब, कितने समय पे पेश किया जाता है? कि GDP की जो ग्रोथ हो वो GVA से ज्यादा हो, या GVA की जो ग्रोथ हो वो कभी GDP से ज्यादा हो, ऐसा कुछ पॉसिबल है? या ऐसा होता है कि GDP की ग्रोथ जो है वो GVA की ग्रोथ से कम है, ऐसा हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है कि GDP की जो ग्रोथ है वो कम है GVA की ग्रोथ से, ऐसा पॉसिबल है? कैसे? टैक्सेस और सब्सिडीज, टैक्सेस और सब्सिडीज की वजह से। लाइक इस एग्जांपल को देख के बताओ कैसे दोनों का, ये पता, ये टेक्निकल इश्यूज हैं जो आपको पता होना चाहिए, जरूर पता होना चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर देखो, देखो मान लो कि ये सूत्र लिखा हुआ है ना, अब इस सूत्र के आधार पर एक चीज देखो, अगर मान लो कि हमने टैक्स कर दिया 10 और सब्सिडी कर दी 5, तो होगा क्या? GDP इज इक्वल टू समेशन GVA प्लस 5। हाँ, क्या किया? टैक्सेस को बढ़ा दिया है और सब्सिडीज को कम किया है, सिंपल सा रूल है। तो अब क्या हो जाएगा, अगर हम GVA की यहां पर वैल्यू निकालना चाहेंगे, या GDP की वैल्यू कितनी है, GVA से 5 ज्यादा है, तो अगर हम किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर टैक्सेस को बढ़ा देते हैं और सब्सिडीज को कम कर देते हैं तो वहां पर GDP की जो ग्रोथ रेट है वो GVA से ज्यादा हो जाएगी, दिख रहा है? इसी का जस्ट उल्टा है, अगर हम यहां पे 5 ले लें और यहां पे 10 ले लें तो क्या आएगा, GDP इज इक्वल टू समेशन GVA माइनस 5 आएगा। अब माइनस 5 क्या करेंगे, इसको इधर वाला लिया, तो GDP प्लस 5 इज इक्वल टू समेशन GVA, तो अब GVA जो है वो GDP से 5 ज्यादा है। तो इट्स टोटली डिपेंड अपॉन कि हाउ द टैक्सेस आर टेकिंग प्लेस। बहुत ध्यान रखना, प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्ट सब्सिडीज, इन सब चीजों को ध्यान रखने की कोशिश करना। अब इससे लीनियंट रेंज में आपको नहीं बताया जा सकता, क्योंकि इससे लीनियंट रेंज एग्जिस्ट ही नहीं करता। बस हमारी चीजों को समराइज करते हैं ये चीजों के। इसी के बाद एक टॉपिक दिया हुआ है आप लोगों में, आगे बदल के दिया हुआ है कि GDP GVA के बारे में बुक से भी पढ़ना, नेक्स्ट समझ में आएगा तो हम और भी चीजें बताएंगे। एक वर्ड दिया हुआ है ग्रीन GDP,
व्हाट डज इट मीन? ग्रीन चिली क्या होती है? चलो चलो मिलो जैसे मतलब क्या है, व्हाट इज ग्रीन जीडीपी? है देखिए, ग्रीन लगाओ तो एनवायरमेंट से रिलेटेड है, लेकिन इन हाउ एंड व्हिच मैनर? देखो सिंपल सा रूल है कि व्हेनेवर इन प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन ऑफ योर नेचुरल इनकम यू मस्ट हैव टू कंसीडर द एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डिफॉरेस्टेशन ऑल इन द सिस्टम. आप अपने जो राष्ट्रीय आय का आकलन करते हैं सालाना, उसके अंतर्गत पर्यावरण का कितना ह्रास हो रहा है उस चीज को भी कंसीडर करिए. अगर आप कंसीडर करते हैं तो आपकी जो जीडीपी होगी ना वो ग्रीन जीडीपी कहलाएगी. सिंपल, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को भी कंसीडर करना. ये ग्रीन जीडीपी का टर्म कब आया? 1993 कॉइन्ड बाय किसने दिया था? यूनाइटेड नेशन ने. ये बेसिक फैक्ट आपकी बुक में दिए हुए, ये सब आपको उसमें से पढ़ने. अब मैटर ये है कि ग्रीन जीडीपी को, ग्रीन जीडीपी के बारे में जो डेटा कंपाइल किया जा रहा है वो ध्यान रखना मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ये कंपाइल कर रही है, इसके डेटा को कंपाइल करती है ताकि ग्रीन जीडीपी का डेटा काउंट किया जा सके. और ये कंपाइलेशन वो कर रही है क्योंकि उसके ऊपर एक फाउंडेशन है. फाउंडेशन एक कमिटमेंट है, एक कमिटमेंट है, मतलब हमने कहीं पे कुछ वादा किया था उसको पूरा करने के लिए हमें ये कंपाइलेशन करना पड़ेगा. तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन कंपाइलेशन कर रही है, उसका जो कंपाइलेशन कर रही है तो कमिटमेंट जहां पर दी उस कमिटमेंट को क्या कहते हैं? वो क्या कमिटमेंट है और किसको दिए कमिटमेंट? एनीवन? ये सब आपकी बुक में दिया हुआ है. प्राची क्या बोलते हो कमिटमेंट को? अरे नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज NCAES. और इसको फाउंड किसने किया था? इस पर्टिकुलर कमिटमेंट को किसने फाउंड किया था? है नहीं मेरी बच्ची, अरे मतलब पढ़ते क्या है, होता क्या है, दिखता है. अच्छा अभी कभी पढ़नी है, ठीक है. इसको काउंट किया था यूनाइटेड नेशन और यूरोपीय यूनियन ने. देखो इस तरह की चीजें बन रही हैं, ध्यान रखना. ग्रीन जीडीपी क्या है? जब हम लोग नेशनल इनकम की अकाउंटिंग में एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का ऐड करते हैं वो जीडीपी, ग्रीन जीडीपी का कांसेप्ट आ जाएगा. ग्रीन जीडीपी टर्म किसने यूज किया? यूनाइटेड नेशन ने यूज किया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस ग्रीन जीडीपी को करने के लिए क्या करती है? उसके लिए डेटा कलेक्ट कर रही है. डेटा कलेक्ट करने की जिम्मेदारी किसकी है? मॉस्पी की है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की. मॉस्पी इस डेटा को इकट्ठा कर रही है, उसको कंपाइल कर रही है. क्यों कर रही है? बिकॉज उसकी एक कमिटमेंट है. और कमिटमेंट कहां पर है? कमिटमेंट यहां पर है, NCAES, नेचुरल कैपिटल अकाउंटिंग एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज. और इसको इसने बनाया है यूनाइटेड नेशन और यूरोपीय यूनियन ने मिलकर बनाया है. इस तरह के क्वेश्चन अब आपसे बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं, वो पूछ लेंगे कि इस तरह का जो इनिशिएटिव है किसका है. सिंपल, और आपको बता रहा, यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस बिकॉज ग्रीन जीडीपी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है. इज दैट क्लियर? ये चीजें हो रही हैं. इसी तरीके से कॉन्सेप्ट हो रहा है ग्लोबल एनवायरमेंट प्रोडक्ट. ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट एक और कॉन्सेप्ट है. ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट को इंडिया में पहले बार अपने स्टेट में लॉन्च करने वाला स्टेट कौन सा है? उत्तराखंड. ये चीज है. इसके बाद एक टॉपिक और आपकी ही बुक पे दिया हुआ है, वो टॉपिक दिया हुआ है कुज़नेत्स्कर से. कुज़नेत्स है ना, कुज़नेत्स्कर. आओ बताना व्हाट डज कुज़नेत्स्कर मीन. तीसरा टॉपिक है आपका कुज़नेत्स्कर. ध्यान रखना कुज़नेत्स कर्व दो है, ध्यान रखना कुज़नेत्स कर्व है जो है वो दो है आगे, इसको मिटाना पड़ेगा नहीं तो आगे मिटाना पड़ता ही. देखो ये जो कुज़नेत्स कर्व है ये दो है, कुज़नेत्स कर्व दो है. एक है जो कि इनइक्वालिटी के ऊपर मेंशन करता है,
इनइक्वालिटी और पर कैपिटा इनकम के ऊपर जो मेंशन कर रहा था, और एक है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के ऊपर भी। एक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के ऊपर क्वेश्चंस के दो तरीके के हैं, एक है जो इनइक्वालिटी वाले पे मेंशन करता है और दूसरा वाला किस पे करता है, एनवायरमेंटल उस पे करता है। ध्यान रखना क्या है, दोनों में ही एक चीज कॉमन है कि ये उल्टा है। पहली बात, नीचे वाला जो है वो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम के बारे में बात कर रहा है, और दूसरे वाला यहां पर जब हम एनवायरमेंट वाले की बात करेंगे तो यहां पे आ जाएगा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, और जब हम लोग इनइक्वालिटी की बात करेंगे यहां पर इनइक्वालिटी आ जाएगी। दोनों में सेम है, उन्हीं ने ये बोला कि मान लो कि जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है शुरुआत में, वैसे वैसे एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन भी हो रहा है। जैसे मान लो पर कैपिटा इनकम ये है 10, ये है 20, ये है 30, ये है 40, ये है 50, ये है 60 और ये है 70, ऐसे लगा है। तो ये कहती है 10, 20, जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है उसी तरीके से आपका एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी बढ़ रहा है तो कुजनेट्स कब ये कहता है मैं डिटेल नहीं जाऊंगा बिकॉज़ जरूरी है कि कॉन्सेप्ट समझें। कुजनेट्स एनवायरमेंटल कर ये बोल रहा है कि शुरुआत में अगर लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ानी है तो हमें एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन एक लेवल तक करना पड़ेगा और ये होगा। एक लेवल जो वो पीक अचीव हो जाएगा, लोगों की पर कैपिटा इनकम तो बढ़ेगी, लोगों की इनकम तो बढ़ेगी, लेकिन एनवायरमेंटल का डिग्रेडेशन धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा। तो एनवायरमेंट कुजनेट्स कर्व है वो दो तरीके के डिग्रेडेशन को बताता है कि इनकम लोगों की बढ़ेगी शुरुआत में आपका एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन होगा, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम धीरे धीरे एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन कम होने लगेगा, लेकिन लोगों की इनकम बढ़ती रहेगी। अब इसके पीछे रीजन क्या है, जैसे अभी क्या है, अभी आपको इलेक्ट्रिसिटी पहले प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो लोग उसको प्रोड्यूस करेंगे, जब लोग उसको प्रोड्यूस करेंगे तो वहां से उनको जॉब मिलेगी, पर कैपिटा इनकम बढ़ी। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए पेड़ों को काटा जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, तो एनवायरमेंटल का डिग्रेडेशन हो रहा है, लेकिन अभी भी लोगों की सैलरी बढ़ रही है। क्यों? बिकॉज अब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के हमारे पास दूसरे तरीके आ गए, क्या आ गया, सोलर आ गया, विंड आ गया, तो अब लोगों को जॉब कहां मिल रही है, सोलर में, विंड में मिल रही। जब उनको वहां पर जॉब मिल रही है तो वो सारी समय उनकी इनकम बढ़ रही है, लेकिन एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन हो रहा है, नहीं हो रहा, कम हो गया। एक बेसिक सा कैजुअल एग्जांपल है। तो एनवायरमेंटल कुजनेट्स कर्व क्या बोलता है कि इनिशियल फेज में एक पीक पोजीशन आने से पहले पहले लोगों की पर कैपिटा इनकम तो बढ़ेगी लेकिन एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन भी होगा, लेकिन एक पीक आने के बाद वो एनवायरमेंट का डिग्रेडेशन कम हो जाएगा लेकिन लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ती रहेगी। यही इनकम इनइक्वालिटी में भी है कि लोगों की क्या होगा कि जब लोगों की थोड़ी इनकम बढ़ रही होगी लेकिन वो इनइक्वालिटी जरूर आएगी। पहले क्या होगा कि जैसे मुकेश कुछ ही लोग हैं उनके पास सारा पैसा है इनइक्वालिटी, तो शुरुआत में क्या होगा जो कैपिटलिस्ट अप्रोच वाले लोग हैं ये खूब पैसा बनाएंगे, खूब पैसा करता है, लेकिन धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि ये पीक पोजीशन पहुंचेगी तो क्या होगा कि जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली सब में धीरे 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 होने लगेगा, और इसके लिए वेलफेयर स्टेट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पॉइंट को अगर लॉन्ग स्टोरी को हम लोग शॉर्ट करें तो पूरा कंसीडर कास्ट कहां से स्टार्ट हुआ था, जीडीपी और जीवीए के गैप के बारे में। जीडीपी और जीवीए में जनरली गैप नहीं होता, जनरली नहीं होता, उसमें गैप क्यों आता है, कुछ वजहों से, और वो वजह कौन से थे आपकी, वही प्रोडक्ट टैक्सेस, प्रोडक्शन सब्सिडीज, ये सारे चार्जेस। इनको समझने के लिए आपको तीन चीजें बहुत समझना पड़ेगा बिकॉज जीडीपी जीवीए में रिलेशन इनके बिना नहीं समझ। क्यों? Because GDP जो काउंट की जाती है वो मार्केट प्राइस पे काउंट की जाती है, GV जो काउंट की जाती है वो बेसिक प्राइस पे की जाती है। बेसिक प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, फैक्टर कॉस्ट क्या है, ये मैंने आपको वहां पे डिस्कस कर दिया। वहां पर प्रोडक्शन टैक्सेस और प्रोडक्शन सब्सिडीज का मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं है। प्रोडक्ट में क्या है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, इतना ध्यान में रखना है। बाकी के जो फैक्ट है जो मैंने आप लोगों को बताया कि कुजनेट्स कर्व क्या है, NCAES क्या है, ये सारी चीजें आपको बता दिए। इसको कंपाइल करने के लिए मॉस्पी डेटा इकट्ठा कर रही है, इसको किसने बनाया, यूनाइटेड नेशन और यूरोपीय यूनियन ने बनाया। ये सारे फैक्ट आपको बुक में मिल जाएंगे, एक बार रिवाइज करोगे बढ़िया तरीके से। एनी डाउट इन दिस पर्टिकुलर केस, अगर नहीं है तो आगे बढ़े। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। समझ में नहीं आएगा तो पूछ लेना,
हाँ हिंदी मत रहने में, हाँ है बोला है ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। बेसिक चीज है, दो मिनट के अंदर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या है, क्यों न्यूज में है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, न्यूज में क्यों है? एचडीआर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट न्यूज में क्या, कंटेक्स्ट क्या था एचडीआर का होने का? कंटेक्स्ट बस यही है कि पिछले दो सालों में 2020 और 2021 में हम जो एचडीआर रिपोर्ट है उसमें हमारी जो रैंकिंग है वो कम हो गई है, रैंकिंग डाउनग्रेड हो गई है, हमारी रैंकिंग जो है वो डाउनग्रेड हो गई है ठीक है, ये रीजन हुआ है। और रैंकिंग अभी कितनी है इंडिया की? 132 नहीं करना ठीक है। अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना क्या हमें करना है, न्यूज क्या है कि एचडीआर में जो हमारी रैंकिंग है पिछले दो सालों में कम हुई है, पिछले दो सालों में कम हुई है। तो बेसिक चीज क्या जाननी है, व्हाट इज एचडीआर, कब से पब्लिश हो रहा है, कौन पब्लिश कर रहा है, क्या क्या चीजें इसमें होती है। बेसिक फैक्ट्स का एक दो चीज और है, एचडीआर को पब्लिश कौन करता है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपका काम क्या है? यूएनडीपी के बारे में इफ ईच एंड एवरी लाइन आपको पता होनी चाहिए, कहां है, कब एस्टैब्लिश हुई, हेडक्वार्टर कहां पे, कौन मेंबर है, इंडिया मेंबर है या नहीं है ठीक है, यूएनडीपी के बारे में आप जानने की कोशिश करना। दूसरी चीज, ये रिपोर्ट एचडीआर यूएनडीपी करता है 1990 से लगभग पब्लिश हो रही है ठीक है। इसमें कितने पैरामीटर लिए जाते हैं, कितने पैरामीटर लिए जाते हैं, हाउ मेनी पैरामीटर दैट आर टेकन इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस? 1, 2, 3 कौन कौन से? एजुकेशन, पर कैपिटल इनकम, जीएनआई, हाँ भाई मतलब पर कैपिटल इनकम ही है, पर कैपिटल इनकम या इसको हम लोग जीएनआई से भी काउंट करते हैं। जीएनआई का मतलब क्या है? ग्रॉस नेशनल इनकम। ग्रॉस नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, इसको जानने के लिए आपको पता होना चाहिए व्हाट इज जीएनपी, व्हाट इज जीडीपी, व्हाट इज एनएनपी, चार फैक्टर और भी हैं ये आप लोगों को पता होगा, आप लोग पढ़ चुके होंगे, ध्यान रखना। या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर कैपिटल इनकम ना बोलते, इसका एक अच्छा नाम जो कि इस रिपोर्ट में यूज किया जाता है वो होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपका स्तर कैसा है जीवन जीने का, दूसरी चीज है। और तीसरी चीज क्या है, एजुकेशन हो गई, तीसरी चीज क्या है, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल, हेल्दी। ये तीन मेन पैरामीटर है जिनके ऊपर आपकी रैंकिंग डिफाइन की जाती है। बेसिक चीज, न्यूज क्या है, एचडीआर रिपोर्ट आई है जिसमें दो साल से पिछले दो सालों में हम लोग कहीं ना कहीं हमारी रेटिंग डाउनग्रेड हुई है, न्यूज है। अब हमें जानना क्या जरूरी है कि एचडीआर है क्या, ये एक रिपोर्ट है जिसको यूएनडीपी पब्लिश करता 1990 से पब्लिश कर रहा है, और इसके तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, एजुकेशन या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और दूसरा क्या है, एजुकेशन में क्या है, एजुकेशन के दो पार्ट, एजुकेशन की विद्युत है एनीवन नहीं, हायर वायर नहीं है, एजुकेशन की विद्युत मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग, इसको दो पार्ट है। उसमें ये होता है कि एक पर्सन से कितनी तवक्को की जाती है, कितने समय तक स्कूल में रहेगा, और वो ड्रॉप आउट कितना है, जाके देखना। ये जो एजुकेशन है, एजुकेशन में भी दो सेगमेंट है, ये चीज आप लोग होमवर्क छोड़ रहा हूँ, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग करके कॉन्सेप्ट होगा। एजुकेशन में भी दो सेगमेंट है, यूपीएससी बहुत तेज हो रही है आजकल, इस तरह की चीजों में घुस रही है, इसको देखने की कोशिश करना, इसमें ये चीजें हो रही है। पॉइंट है, एचडीआर रिपोर्ट जो आती है ये फैक्ट तो आपको पता ही होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ खास बात जो इसमें हमें पता होनी चाहिए? एचडीआर रिपोर्ट कोई एक रिपोर्ट नहीं है, इसके अंतर्गत 5 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट का इंडेक्सेस का समिशन है, 5 इंपॉर्टेंट समिशन है, जिसमें से एक समिशन क्या है, एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, लिखते रहो इसको, पहला है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, दूसरा लिखो जल्दी से, दूसरा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ पार्ट ऑफ एचडीआर, उसमें 5 तरह की चीजें हैं, एमपीआई, एचडीआई, दूसरा इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई, इन इक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई, चौथा लिखो
ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स, ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स, और लास्ट ग्लोबल डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्लोबल डेवलपमेंट इंडेक्स, ग्लोबल डेवलपमेंट इंडेक्स। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, अब इसके बारे में बात होगी आगे क्योंकि आने वाला है वो। इनइक्वालिटी इंडेक्स और ग्लोबल डेवलपमेंट इंडेक्स। देखो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, रिपोर्ट आई एचडीआर की क्यों न्यूज है, बिकॉज दो साल से हम इसके बैक में आ गए, उससे पहले हम अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे। इसके अंदर क्या है, एचडीआर रिपोर्ट जो भी यूएनडीपी पब्लिश करता है 1990 से पब्लिश की जा रही है। तीन पैरामीटर इंपॉर्टेंटली यूज किए जाते हैं, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड हेल्थ के ऊपर। स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन के ऊपर दो सेगमेंट है, ध्यान रखना उन दोनों को आपको पता होना चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि वो क्या है, दोनों एकदम यहाँ पर मेंशन करके बताना। पर कैपिटल इनकम जो कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंशन करता है, इंडिया की पर कैपिटल इनकम कितनी है, ग्लोबल कितनी है, कंपैरिजन होना चाहिए। पता कितनी है, 6501 डॉलर इंडिया की पर कैपिटल इनकम है, 6590 ये इंडिया की है, और वर्ल्ड की कितनी है, 16752। इट मींस कि 6590 इंडिया की है और 16752 ये पूरे वर्ल्ड की है, दोनों में डिफरेंस कितना है, नियरली डबल से ज्यादा का है। आपको पता है इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि क्या इंडिया की पर कैपिटा इनकम एज पर दी एचडीआई वो ग्लोबल पर कैपिटा इनकम से दो से ज्यादा है, दो गुने से ज्यादा है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो यू मस्ट हैव टू बी अवेयर अबाउट दीज पर्टिकुलर फैक्ट्स। डॉलर की बात करवा रही है, डॉलर है, रुपया ना समझ, ये आपको बताना चाहिए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में पर कैपिटा इनकम का रेशियो क्या है, एक तो मैंने बता दिया, इसी तरीके से हेल्थ में लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी वर्ल्ड की, वो 71 पॉइंट समथिंग है, इंडिया की क्या हो गई, वो कम हो गई है, इसी वजह से रखा गया है, कौन कौन बचा है, इज दैट क्लियर। तो यूएनडीपी के बारे में आपको पता होना चाहिए, और उसके बाद ये वाले जो दो फैक्ट आपको मैं देके छोड़ रहा हूं, ये आपको जरूर बस जरूर डेटा इसका पता होना चाहिए कितना होगा, क्योंकि आपको क्या करना, इट इज अ कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन में आपको अपने वाले से थोड़ा सा एक आगे रहना है, और अपने से एक आगे रहने का मतलब क्या है, जो इसमें दिया हुआ उसको स्टिक मत हो जाओ, इस वाले को देखो और इसके अलावा सब छोड़ो, कुछ करने की जरूरत नहीं, इट इज मोर देन सफिशिएंट। आगे बढ़े नेक्स्ट टॉपिक। हाँ एक चीज और इसमें देख सकते हो, एचडीआर में रैंकिंग जो देखनी है आपको वो किसकी देखनी है, इंडिया की देखनी है और अपने पड़ोसी की। और खुश होने वाली बात यह है कि पाकिस्तान को छोड़कर हम सबसे पीछे हैं, बल पाकिस्तान से हम आगे तो बस खुश हो जाओ। हाँ इफ वी आर अहेड ऑफ पाकिस्तान इट मींस वी आर डूइंग वेरी वेल, बाकी सबसे फिसलते हैं, सबसे पीछे बाकी, पाकिस्तान के 161 है, हम लोग 132 में, हम उनसे खुश हैं, लेकिन भूटान से भी हम पीछे, श्रीलंका से भी पीछे, नेपाल से भी पीछे, सबसे पीछे, चाइना से भी पीछे, सबसे पीछे हैं। रैंकिंग देखना क्या है, बस इतना ध्यान रख लो पाकिस्तान से हम आगे बाकी सबसे पीछे हैं, अपने पड़ोसी में पाकिस्तान से आगे बाकी हम सबसे। ओके आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन, मिटा दो उसको। नेक्स्ट पॉवर्टी एलिवेशन के ऊपर एक टॉपिक आया है, पॉवर्टी के ऊपर एक टॉपिक आया है, न्यूज क्या है, एनिवन किसी ने पढ़ा हो पॉवर्टी के ऊपर न्यूज क्या है, न्यूज 3 टॉपिक फर्स्ट। देखो क्या था, एनीवन याद नहीं, देखो पॉवर्टी के बाद रिपोर्ट क्या आई है कि दो अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग इंस्टीट्यूशन के अलग अलग एस्टिमेशन दे दिए, एक था वर्ल्ड बैंक का और एक था आईएमएफ का। हाँ इन्हीं ने अपनी रिपोर्ट दी, इन्हीं ने बताया कि इंडिया में पॉवर्टी और इनइक्वालिटी जो है वो बहुत बवाल मचा रही है। इन्हीं ने कहा कि रुको तुमसे तगड़े हम हैं,
तो उनको सिर्फ भारत की गरीबी दुर्दशा फटे नुचे कपड़े यही दिखता है, उनको ताजमहल ये सब चीजें नहीं दिखती। तो देखो बड़े बड़े रोडे नहीं दिखते था इस चीज लाइफ में बना रहे यहाँ की गरीबी वही सीन है नहीं लाइक। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की और उसमें बहुत डेविएशन हुआ। ये रिपोर्ट पब्लिश ही की थी कि प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने भी कुछ रिपोर्ट पब्लिश कर दी। मतलब सब गरीब को दिखा रहे कि सब कितने गरीब हैं, लेकिन गरीब की गरीबी दूर करने का कोई काम नहीं कर रहा, बिकॉज उनको नहीं पता कि गरीबी कैसे दूर की जाएगी। दैट द फैक्ट, ये आज से काम नहीं चला, आजादी के बाद से काम चल रहा है। हम क्या कहते हैं कि गरीबी कैसे दूर हो रही है, क्या क्या फैक्ट है। द पॉइंट इज दैट कहने का मतलब ये दो रिपोर्ट पब्लिश की गई जिसमें बहुत ज्यादा डेविएशन था, एक ने बहुत ज्यादा गरीब दिखाया, एक ने थोड़ा सा कम दिखाया। अब ये मत जानने की कोशिश करना किसने ज्यादा गरीब दिखाया किसने कम दिखाया, नॉट अ मैटर ऑफ फैक्ट। इनकी दो रिपोर्ट आई जिसने भारत की पॉवर्टी और इनइक्वालिटी के बारे में मेंशन किया। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल इसने भी अपनी एक रिपोर्ट पब्लिश की। साथ ही साथ गरीबी के ऊपर नीति आयोग बहुत मजबूती से काम करती है। अब नीति आयोग और प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में एक सिमिलैरिटी है, कोई बता सकता क्या है? व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन द पीएमईएसी एंड नीति आयोग? दोनों ही ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही स्टैट्यूटरी बॉडी है ना ही कोई बॉडी है, फालतू की बात है। और दोनों देखो कितनी गरीबी वाली बातें करती हैं, नीति आयोग भी गरीबी की बात कर रही है और वो भी कहेंगे फिलहाल पास ही सोचना। तो मैटर आया पॉवर्टी के ऊपर इतनी सारी चर्चाएं हो रही, तो हमें क्या काम करना है, हमें पॉवर्टी के बारे में चाय नहीं आया अभी तक। तो हमें क्या करना है कि पॉवर्टी की एक स्कीम देखनी, मतलब पॉवर्टी के बारे में एक ग्लिम्स देखना है जो कि आपकी मैगजीन में दिया हुआ है। इसमें पॉवर्टी की जो स्टार्टिंग हो रही है उन्होंने बताया कि पॉवर्टी दो तरह की होती है, पहली होती है एब्सोल्यूट और दूसरी होती है रिलेटिव। इसको एक्सप्लेन करने से पहले हमको ये बताओ इस देश में अमीर कौन है गरीब कौन है, आप लोग के साथ कैजुअली कौन अमीर कौन गरीब, सब देश कौन अमीर कौन गरीब है, चनास प्राची ग्लास तो ज्यादा पैसा है वो अभी हाँ है। दिल से बहुत अमीर है, जानने के लिए आपको ये दोनों कौन से समझना चाहिए। देखो क्या होता है कि अगर कोई भी कंट्री में कोई एक पर्सन बेसिक रिन्यूमरेशन नहीं पा रहा, बेसिक रिन्यूमरेशन का मतलब क्या है, वो बेसिक अमाउंट जिससे वो अपनी बेसिक नेसेसिटी को पूरा कर ले। अगर किसी भी देश में कोई एक ऐसा पर्सन है जो अपनी बेसिक नीड रोटी कपड़ा और मकान इसको भी नहीं पूरा कर पा रहा है, इसका मतलब वो उतनी सैलरी नहीं पा रहा है, इसका मतलब वो क्या है, गरीब है। और उस तरह की गरीब को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट। और एक दूसरा तरीका भी रिलेटिव, रिलेटिव का मतलब क्या है, इसने मुकेश अंबानी को भी एक रिस्पेक्ट में गरीब कर दिया है। मुकेश अंबानी गरीब नहीं है लेकिन रिलेटिव है। अब क्या होता है, ये एक डेडलाइन, ये वाला क्या है, एक डेडलाइन बस देखो बताना, लेकिन मैं बात बताऊ ये डेडलाइन है कि अगर ये तुम पा रहे हो तो इसका मतलब जैसे मान लो कि सपोज है कि यहाँ पर 1000 रुपए है, अगर कोई 1000 रुपए पा रहा तो वो सारी बेसिक नेसेसिटी उसकी पूरी हो जाएगी, ये तो बोले। अगर कोई इसके नीचे है, कोई पर्सन है तो क्या है, एब्सोल्यूट पुअर है। कोई यहां पर है महा एब्सोल्यूट पुअर है, एक कोई यहां पर पूछेगा तो मरी जाओ। ये गलत वाली बात है, मैं इसको गलत सेंस में नहीं ले रहा हूं, इसको मैं इस तरीके से बोल रहा हूं कि नहीं, इसको बिल गेट्स ने बहुत अच्छे से बोला है, कह रहे इट्स नॉट योर फॉल्ट दैट यू आर बॉर्न इन अ पुअर फैमिली, बट इट्स योर फॉल्ट कि आप गरीब मर जाते हो। गरीबी इज नॉट एनीथिंग, इट इज योर एटीट्यूड, इट इज योर एटीट्यूड। अगर आप यार आप सोचो ऊपर वाले ने क्या डिस्क्रिमिनेशन किया, नो नॉट एनी कॉस्ट यार, आप इसको काम पे रखो, देखे
देगा वो आपको कैसे कन्वर्ट कर देगा। नेपोलियन हिल ने किताब लिख दी थिंक एंड ग्रो रिच, अब ये तो लिखी थी है एब्सोल्यूट पॉवर्टी वाले के नीचे वाले के लिए नहीं है ये, इट्स नॉट बियॉन्ड बिलो द एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन, किसी के लिए भी जो भी सोचेगा वो अमीर बन जाएगा, ये स्टेट ऑफ माइंड। अगर आप इतने गरीब हो तो कहीं ना कहीं आपको कुछ तो काम कुछ नहीं काम करना पड़ेगा, सबको कुछ ना कुछ करना पड़ता है। पॉइंट इज दैट कि अगर एक बेसिक रिमुनरेशन से कोई भी नीचे है तो उसको हम क्या बोलेंगे एब्सोल्यूट पॉवर्टी। अब क्या होगा, अब इन दोनों में देखो इसमें ये गरीब है या ये गरीब है, या मैं इसका नंबर दूं 1, 2 और 3, इन दोनों में कौन गरीब है? सेकंड वाला इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा गरीब है, थर्ड वाला इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा गरीब है, और इन तीनों में सबसे ज्यादा गरीब कौन है? थर्ड वाला। यही रिलेटिव है। इस आधार पर अगर देखें तो आप अगर देखो तो मुकेश अंबानी को अगर नवंबर मंथ से पहले अडानी से काउंट करते तो मुकेश अंबानी उनके रिस्पेक्ट में गरीब थे, रिलेटिवली उनके गरीब थे। अभी क्या है, उल्टा हो गया, आज मुकेश अंबानी अमीर हो गए, क्यों? क्योंकि बेचारे के शेयर गिर गए। तो रिलेटिव का कॉन्सेप्ट, तो पॉवर्टी के दो तरीके से टाइप मेंशन किए जाते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट मतलब बेसिक नेसेसिटी ही नहीं पूरी कर पा रहे, दूसरा वाला क्या होता है रिलेटिव पॉवर्टी। अब ये रिलेटिव पॉवर्टी कुछ ज्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट है, रिलेटिव पॉवर्टी को अच्छे से समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या। इसको अच्छे से समझने के लिए दो पैरामीटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और उन दो पैरामीटर को हम लोग बोलते हैं लॉरेंस कर्व और दूसरा होता है गिनी कोफिशिएंट। रिलेटिव पॉवर्टी आप कैसे एज्यूम करोगे कितनी इनइक्वालिटी है, कितने लोग पोअर हैं, इसको एज्यूम करने के लिए आपको लॉरेंस कर्व और गिनी कोफिशिएंट की बात को पता होना चाहिए, ठीक है? गिनी कोफिशिएंट और लॉरेंस कर्व की बात को पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, एक बेसिक सिद्धांत रखना, ये पता है लॉरेंस कर्व और गिनी कोफिशिएंट याद करो, कुछ याद आ रहा है, ऐसा याद आया? देखो इसका फिगर आ रहा है, देखो कोशिश करना समझने की कोशिश करना, बहुत ज्यादा डिटेल में आ रहा है। ये जो कर्व बना हुआ है इसको लॉरेंस कर्व बोलते हैं, और इसमें गरीबी या इनइक्वालिटी कितने स्तर की है इसको जानने के लिए हम लोग गिनी कोएफिशिएंट यूज करते हैं। आप देखो मैं कुछ फिगर बना रहा हूं, ये किया और ये किया, लिखते जाओ। अब नेक्स्ट ही देखना, ये चीज समझ आ रही है? अब देखो इसमें एक थैला है, एक ये लाइन है, एक गले वाली लाइन यहाँ तक है, इधर तफा हुआ एकदम सब बराबर है, एक लाइन मतलब ये पूरी एकदम स्ट्रेट लाइन है। कैसे है अभी मैं बताऊंगा। इसमें क्या हुआ, जो स्ट्रेट लाइन है वो तो थोड़ा सा जो गला था वो फैल गया, इसमें क्या हुआ गला कुछ ज्यादा फैल गया, इसमें इतना फैल गया कि पूरा ये जो है भर गया, इसको मैच लगा रहा पूरा भर गया। अब देखो इसको समझने की कोशिश करो, जैसे मानो दिख रहा है नीचे, दिख रहा है ये है 10, 20, 30, 40 अगर किसी भी कंट्री, मान लो ये पॉपुलेशन है और ये है वेल्थ, ये पॉपुलेशन ये वेल्थ, ठीक है? अगर मान लो किसी भी कंट्री की 10% वेल्थ जो है वो 10% पॉपुलेशन के पास है, 20% वेल्थ 20% पॉपुलेशन के पास है, 30% वेल्थ 30% पॉपुलेशन के पास है, 40% वेल्थ 40% पॉपुलेशन के पास है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब सब कुछ इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या है,
इक्वल लाइन एकदम इक्वल है। ये कुछ इसी तरीके का है, गपड़ करके तुमको दिखाया नहीं गया लेकिन ये इसी तरह है। अब होगा क्या, इसका दूसरा एग्जांपल देखो, यहां पे देखो हां ज्यादा आगे नहीं बढ़ेंगे। हां बराबर आ गया नहीं सर? देखो 10% मेल जो है, मान लीजिए 10% मेल है, ये आपके पास 20% लोगों के पास है। अब 20% मेल मान लो कि 30% लोगों के पास है, आपकी फिगर कैसे बन रहा है? देखो लहरा रहा है, ये वाला हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 10% जो वेल्थ है वो 20% लोगों के पास है, तो बाकी की 90% वेल्थ कितने लोगों के पास है? उल्टा इसका हो जाएगा, मतलब कम लोगों के पास ज्यादा पैसा है। अरे भाई 10% वेल्थ है, 20% लोगों के पास है, या मैं ऐसे बोलूं कि भारत का 10% जो पैसा है वो 90% लोगों के पास है, तो 90% पैसा कितने के पास होगा? 10% होगा। तो ये वाला अभी यहां पर कम है, ये वाला खाई यहां बहुत बढ़ती चली जा रही है। मतलब क्या है कि ये वाला जो रेशियो है ना ये बढ़ता जा रहा है। तो इट मींस कि ये जो कर्व है जिसकी वजह से हम लोग ये सब चीजें आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, इनइक्वालिटी और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल कर पा रहे हैं, इसको हम बोलते हैं लॉरेंस कर्व। अब इसमें गिनी कोफिशिएंट भी एक आता है। गिनी कोफिशिएंट क्या है? देखो ध्यान देखना, ये जो लाइन गई है एब्सोल्यूट परफेक्ट वाली लाइन है, उसके अंदर जो ये वाला डिब्बा दिख रहा है एरिया, एरिया डिवाइडेड बाय टोटल ये वाला एरिया, जो भी आएगा वो आपका गिनी कोएफिशिएंट कहलाता है। ये जो छोटा वाला एरिया था, गले वाला जो एरिया था, ये एरिया डिवाइडेड बाय ये टोटल वाला एरिया, जब हम इसको डिवाइड कर देते हैं तो जो भी हमें आएगा वो हमारा क्या होता है? गिनी कोएफिशिएंट होता है। और इसकी वैल्यू क्या होती है? 0 और 1 के बीच में फ्लक्चुएट करती है। अगर 0 आ रहा है, गिनी कोएफिशिएंट का मतलब 0 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर परफेक्ट इक्वालिटी, हर चीजें एकदम इक्वली है, हर चीजें क्या है एकदम इक्वली। अब देखो यहां पे, देखो ये एरिया, यहां पे एरिया कितना है एकदम ये पूरा एरिया, और नीचे डिवाइडेड वाला एरिया, तो अगर ऊपर जीरो है नीचे कुछ भी हो जीरो ही होगा। अब जैसे ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर वाला एरिया कितना एरिया है, कुछ नहीं, जीरो डिवाइडेड बाय एरिया कुछ भी कर लो तो ये जीरो तो आएगा। अब ऊपर वाला, अब देखो जैसे जैसे, अब ये क्या कंडीशन यहां पर, अब हम कहते बढ़ेंगे जीरो का मतलब है परफेक्ट इक्वालिटी, सब बराबर है, जीरो से हम बढ़े 0.1 इनइक्वालिटी थोड़ी सी बढ़ गई, 0.2 आए इनइक्वालिटी और बढ़ गई, 0.3, मतलब कहने का मतलब जैसे जैसे हम जीरो से वन की तरफ आएंगे इनइक्वालिटी बढ़ती चली जाएगी। ये वाली कंडीशन कौन सी है कि पूरे ही ऊपर वाला एरिया भी ट्राइंगल, नीचे वाला एरिया भी ट्राइंगल, मतलब ये वाला एरिया जो गला था वो इतना बड़ा हो गया, और इसी का ही एरिया तो है वो क्या आ जाएगा, ये एरिया कितना है, एरिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया भी तो हमने इसी में से निकाला, तो एरिया अपॉन एरिया का कट जाएगा, वन आ जाएगा। तो वन आने का मतलब क्या होता है कि वहां पर इनइक्वालिटी बहुत भयानक वाली है। इट मींस कि किसी भी कंट्री में पॉवर्टी जो होती है वो दो तरीके की है, एक है एब्सोल्यूट और एक है रिलेटिव पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी वो पॉवर्टी है कि लोग बेसिक नेसेसिटी को ही नहीं पूरी कर पा रहे। दूसरे तरह की पॉवर्टी जिसको हम लोग रिलेटिव पॉवर्टी बोलते हैं, किसी के रिलेशन में कौन कितना पुअर है, और इस चीज को, इसकी डेफिनेशन ब्रॉडर बहुत है, लेकिन किसी के रिस्पेक्ट में कौन कितना पुअर है इसको अच्छे से समझने के लिए हमें दो चीजें समझना पड़ेंगी, एक है लॉरेंज कर्व और एक है गिनी कोएफिशिएंट। लॉरेंज कर्व वो ड्रामेटिकल या ग्रामेटिकल या ऐसा डायग्रामेटिकल चीजें होती हैं जिससे हम ये पता कर पाते हैं किसी भी कंट्री में इनइक्वालिटी कितनी परसिस्ट कर रही है, और वो फिगर कौन सा, ये वाले सारे फिगर है। और इसी में एक कॉन्सेप्ट आ जाता है लॉरेंज कर्व से रिलेटेड, जिसको हम लोग गिनी कोएफिशिएंट बोलते हैं। गिनी कोएफिशिएंट हमको ये बताता है कि कितना परसेंटेज, कितना फ्रैक्शन ऑफ लोग इनइक्वालिटी में जी रहे हैं। अगर उसका वैल्यू जीरो आ रही इसका मतलब सब कुछ इक्वल है लाइक दिस, अगर वन आ रही तो इसका मतलब सब कुछ एकदम भूखे नहीं है, सारा पैसा एक ही लोग के पास है, है? और बीच वाली आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, जीरो से जब एक की तरफ जाएंगे तो इनइक्वालिटी बढ़ती चलेगी, एक से जीरो की तरफ आएंगे तो इनइक्वालिटी इज दैट क्लियर। बेसिक सी चीज है ये, बेसिक सी बात है। उसके बाद एक कुछ चीज हो गई। उसके बाद इंडिया में पॉवर्टी को एस्टिमेशन की कुछ हिस्ट्री,
ये तो कॉन्सेप्ट हम लोग समझ गए। इसके बाद इंडिया में पॉवर्टी के एस्टिमेशन की हिस्ट्री क्या है। सबसे पहले पॉवर्टी का एस्टिमेशन कब दिया गया, देखो सबसे पहले पॉवर्टी का एस्टिमेशन जो आया वो अलग कमेटी की वजह से आया। कौन सी अलग कमेटी? 1979। इसके बाद कौन सी आई? लकड़ा वाला। हाँ जी सुना, लकड़ा वाला कमेटी। ये कब आई? 2009। उसके बाद आई रंगराजन कमेटी, रंगराजन कमेटी ये कब आई? 2014। और अभी करंट में क्या होता है, करंट में नीति आयोग पूरे तरीके से फोकस कर रही है इसके ऊपर कि किस तरीके से पॉवर्टी का एस्टिमेशन हो। और नीति आयोग जो पॉवर्टी का एस्टिमेशन है उस पे वो एमपीआई प्लस टू अदर सेगमेंट का यूज कर रही है, जो कि एक हेल्थ से रिलेटेड है और दूसरा वाला स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से रिलेटेड है। अभी देखो फिर समझना, हेल्थ में क्या है, हेल्थ में एक नया पैरामीटर जो कि एमपीआई में नीति आयोग ने ऐड किया है वो है एंटीनेटल, एंटीनेटल केयर। और दूसरा वाला इसमें है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में वो है बैंक अकाउंट। एंटीनेटल केयर का मतलब क्या होता है कि जब लेडी प्रेगनेंसी में होती है तो उसको दी जाने वाली जो भी सहायताएं होती है सुविधा होती है उसको एंटीनेटल केयर बोला जाता है। और दूसरा क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बैंक अकाउंट। देखो ध्यान देना, इंडिया में पॉवर्टी का एस्टिमेशन बहुत पुराने से चला आ रहा है, हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे, इसके लिए एक मेन सा कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले अलग कमेटी ने 1979 में कुछ अपने पैरामीटर दिए, शायद एनर्जी का कंजप्शन बताया था कि 2400 कैलोरी गांव में और लगभग उससे कुछ 2100 कैलोरी अर्बन एरिया में जरूरत होती है, अगर इससे कम भी कोई कैलोरी यूज कर रहा है भूखा ना एकदम। उसके बाद लकड़ा वाला कमेटी आई, कुछ चीजें उन्होंने देखी, तेंदुलकर कमेटी उन्होंने कुछ चीजें देखी हैं और रंगराजन कमेटी उन्होंने कुछ चीजें देखी। रंगराजन कमेटी ने एक्सपेंडिचर के ऊपर बात की है, आई थिंक शायद अर्बन एरिया में आपको ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा और रूरल एरिया में आपको कम खर्चा करना पड़ेगा। इसके बारे में 1407 रुपए अर्बन एरिया में है और लगभग आई थिंक एज पर 972 ये रूरल एरिया में। 1407 आप अर्बन एरिया में खर्चा करो और 972 रुपए रूरल एरिया में, अगर इसके नीचे भी खर्चा करो तो रियल वैल्यू वही हो। उसके बाद क्या है, एक और पैरामीटर होता है नीति आयोग का। नीति आयोग पॉवर्टी एस्टिमेशन पे काम करता है तो उसने काम क्या किया कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है इसके अंदर दो अपने अलग से सेगमेंट को ऐड कर दिया, एक उन्होंने हेल्थ में किया और एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में किया। हेल्थ में एंटीनेटल केयर के ऊपर उन्होंने फोकस किया है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बैंक अकाउंट के ऊपर फोकस किया है। अब देखो यहां में क्या है, ये बात उड़ जाएगी अगर आपको एमपीआई नहीं पता। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है, व्हाट इज एमपीआई, एनीवन, व्हाट इज एमपीआई, मल्टी डायमेंशनली पॉवर्टी इंडेक्स, कौन पब्लिश करता है, क्या होता है, किसने पब्लिश की, कैसे होता है। देखो एमपीआई तीन पैरामीटर के ऊपर बात कर रहा होता है, एजुकेशन, हेल्थ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन तीन के ऊपर बात करता है और इसमें टोटल मिला के 10 पैरामीटर है। आपको पता है 10 पैरामीटर पूछे गए हैं, 10 पैरामीटर के पॉइंट पूछे गए हैं, ध्यान रखना ये होमवर्क दे रहा हूं। इसके एजुकेशन के अंदर क्या आता, हेल्थ में क्या आता, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में क्या आता, इसके सारे 10 पैरामीटर आपको रटे होने चाहिए। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में लगभग 6 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, एमपीआई में। अब वो कौन कौन से ये आपको देखना है, थोड़ा सा होमवर्क है, जैसे एयर ऑफ कूलिंग और अटेंडेंस इसमें आता है, हेल्थ में भी कुछ इस तरीके की चीजें आ रही होती हैं। ये 10 तरह के पैरामीटर है। देखो एमटीआई जो देता है ये 2010 से लॉन्च होना स्टार्ट हुआ, कौन करता है, यूएनडीपी और प्लस ओपीएचआई, ये दो संस्थाएं मिलकर इस डेटा को पब्लिश करती है और इसके अंतर्गत 3 मेन सेगमेंट है जिसमें 10 पैरामीटर, आपको 10 पैरामीटर पता होने चाहिए। जैसे मैंने क्या बताया, एजुकेशन में क्या बताया कि आपकी अटेंडेंस सबको मेंशन जो है उतना पता होना चाहिए,
कम लिखा सकते लेकिन समय जाएगा, वो आपकी मेंशन है किताब में, सब कुछ आप वहां से देख सकते हो, ये आपको करना जरूरी है। उसके बाद बोला ये जाता है कि इन 10 पैरामीटर में, बहुत ध्यान से देखो, हम मल्टी डायमेंशनल क्वालिटी इंडेक्स को पढ़ रहे, किसको हम लोग मल्टी डायमेंशनल पुअर बोलेंगे इस इंडेक्स का नाम बोला ये जाता है। ये रिपोर्ट ही कहती है कि कोई भी पर्सन 1/3 और 33.33% अगर टोटल संख्या मतलब 10 पैरामीटर है, 10 पैरामीटर का अगर एवरेज निकालो उसमें से एक तिहाई हिस्सों में अगर कोई कॉम्पीट नहीं कर पा रहा तो उसको हम लोग मल्टी डायमेंशनल कोर बोलेंगे। जैसे 10 पैरामीटर होंगे, 10 पैरामीटर का अपना अपना एक रेशियो होगा। जैसे हमने लिया कि जैसे मान लो अटेंडेंस है, किसमें है ये, एजुकेशन में। अटेंडेंस के बाद एक चीज और भी होती है स्कूल एजुकेशन, इसको हमने पैरामीटर दिया कुछ भी दिया, मान लो कि 1/2, इसको दे दिया हमने 1/2 जो भी मान लो। उसी तरीके से आपका हेल्थ है, हेल्थ में भी 2 सेगमेंट है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में 6, तो सबके अपने अपने पैरामीटर है ना। तो जब इनको सम करो तो इसका जो भी डेटा है जितना भी है उसका अगर 1/3 में आप कंप्लीट नहीं कर रहे तो आप क्या हो, मल्टी डायमेंशनल पुअर, मतलब कि उसकी एक तिहाई चीजों की एक्सेस आप तक नहीं है तो आप गरीब। जैसे अटेंडेंस कब लगेगी, जब आप स्कूल जाओगे। अब अटेंडेंस कब नहीं लगेगी, जब आप स्कूल नहीं जाओगे। इसका मतलब क्या है, अटेंडेंस की वाला सेक्शन तो खाली हो गया ना आपका, तो वो जीरो हो गया। बैक अब इसी को नीति आयोग ने और आगे बढ़ा दिया, क्या है वो भी बताते पॉइंट्स। देखो MPI 3 सेगमेंट, 10 मेन पैरामीटर, 2010 UNDP OPHI ने किया हुआ है। क्या बोलता है कि 1/3 और 33% अगर कोई वहां पर उसकी एक्सेस इन सब चीजों में नहीं है तो मल्टी डायमेंशनल पुअर है। नीति आयोग अपने यहां इसी तरह का एक पैरामीटर लॉन्च करने के लिए 2 स्टेप और आगे बढ़ी। 2 स्टेप आगे बढ़ने का मतलब क्या है, उसने बोला कि हम एक स्टेप हेल्थ में ऐड करेंगे और एक स्टेप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में ऐड करेंगे। हेल्थ में क्या, एंटीनेटल केयर, मतलब कि अगर कोई लेडी प्रेगनेंसी में है तो उसको प्रेगनेंसी के दौरान सुविधाएं मिल रही है या नहीं मिल रही। अगर मिल रही है तो मल्टी डायमेंशनल पुअर रही है, अगर नहीं मिल रही है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं 33% की कमी हो जाएगी। और दूसरा, अगर 1% जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है, अगर आपके पास बैंक अकाउंट है, आपके पास है तो एक पैरामीटर पे आप पूरे हो, और अगर नहीं है तो उस पैरामीटर पे आप नहीं हो। तो ये चीजें हैं। तो नीति आयोग भी MPI का ही यूज करता है और 2 अलग से पैरामीटर को उसने एड ऑन किया हुआ है। इज दैट क्लियर, ये सारी बात हो रही है। ओके, तो ये था आपका कुछ पॉवर्टी के बारे में, बात समझ आ रही। पॉवर्टी के बारे में इस पूरे सेगमेंट में आपको क्या ध्यान में रखना, कोई डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, जितना मैंने बताया वो उतना मोर देन सफिशिएंट है। कि पॉवर्टी न्यूज में क्यों है, 2 अलग अलग रिपोर्टें पब्लिश की गई है वर्ल्ड बैंक और IMF के तहत, और उसमें बहुत डिस्क्रिपेंसी थी। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल, इसके बारे में भी थोड़ा पढ़िएगा कि वॉट इज इट, है ना। इनकी रिपोर्ट के आधार पर हमने पॉवर्टी के बारे में थोड़ा बहुत पता किया। और पॉवर्टी के 2 तरीके के टाइप होते हैं, कौन कौन से, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट बेसिक नेसेसिटी नहीं पूरी हो रही है, रिलेटिव का मतलब क्या है, कंपैरिजन है। और इसको समझने के लिए हम लोग गिनी कोएफिशिएंट और लॉरेंज कर्व की बात करेंगे। लॉरेंज कर्व डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन है इन इक्वालिटी और लोगों की पॉवर्टी के बारे में, और उसी कर्व से जरिए से हम किस चीज को ड्रॉ करते हैं, वो है गिनी कोएफिशिएंट को। असल में गिनी कोएफिशिएंट को हम लोग ड्रॉ करते हैं। गिनी कोएफिशिएंट अगर 0 है तो उसका मतलब क्या है, सब कुछ बढ़िया है। 1 है तो सब कुछ खराब है। बीच का है तो किधर वाले से किधर वाले जा रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। बेसिक सी बात है, बाकी के फैक्ट्स आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, उनको आप लोग देखने की कोशिश करेंगे। अब कुछ आपकी न्यूज इन शॉर्ट्स है जिसके बारे में सिर्फ मैं जबानी बोलूंगा। पहला टॉपिक है, देखो पहला टॉपिक है ग्लोबल फिनटेक डेटाबेस रिपोर्ट। आपको यह पता करना है कि ग्लोबल फिनटेक डेटा रिपोर्ट है कि कितने परसेंट लोग फाइनेंशियली इंक्लूजन में आ रहे हैं। ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड बैंक। तो रिपोर्ट कौन कौन सी, बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है आपको। जब आप पढ़ रहे हो तो एक PT365 और एक, मैं बता दूंगा, एक मैगजीन आती है जिसमें सारी रिपोर्ट एक ही जगह पर होती है, तो आप बस वो रिपोर्ट पढ़ लोगे कि ये रिपोर्ट इनकी है, चूंकि 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, छोड़ नहीं सकते हम, लेकिन थोड़ा ध्यान में रखेंगे, तो उसके लिए ज्यादा बॉदर होने की जरूरत नहीं। एक टर्न इसके बाद और है, फिंक्लुएशन। व्हाट डज इट मीन, फिंक्लुएशन दूसरा टॉपिक होगा इसका। फिंक्लुएशन क्या है, यहाँ पे फैक्ट बहुत अच्छा है। फिंक्लुएशन ये अच्छा टॉपिक है यार। देखो क्या होता है कि जो फाइनेंशियल
सेगमेंट से जुड़े हुए स्टार्टअप है जैसे पेटीएम। पेटीएम क्या है? ये फाइनेंशियल इंक्लूजर तो लेके आ रहा, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। चलो तो इस तरह के जितने भी स्टार्टअप है इनको बुलाया गया और बुलाने के बाद एक मीटिंग होती है, सबको बुलाया और भी कई लोगों को बुलाया गया, मतलब फाइनेंशियल स्टार्टअप्स को ज्यादा बुलाया गया और बुलाने के बाद एक मीटिंग रखी गई। और मीटिंग रखने के बाद उनसे बोला गया कि आप ऐसा कोई ऐसा सिस्टम क्रिएट करो कि सिस्टम ऐसा क्रिएट करो कि ये देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन को और पेनिट्रेट करे, मतलब और तहत तक जाए। अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन, व्हाट डज फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब कि जो आपकी सेवाएं हैं सरकार की सेवाएं कहां तक किस निम्न स्तर तक पहुंच रही हैं। तो जैसे मान लो सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट से दिल्ली से पैसा भेजा और वो जाके नानपारा देहात में मीरपुरवा में मतलब नानपारा देहात में किसी जगह पे जाना है, तो वहां से पैसा निकलेगा वहां तक पहुंचने के लिए अगर उसके पास बैंक अकाउंट होगा तो डीबीटी के जरिए से डायरेक्ट पहुंचेगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो ये क्या है कि हमने उस बंदे को फाइनेंशियली इंक्लूसिव बना दिया, आपस में जोड़ दिया। क्या हमारे पास कोई चीज है? तुमने कहा डीबीटी है हमारे पास, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर हो गया। उसमें हम आधार कार्ड का यूज करते हैं, अकाउंट नंबर का यूज करते हैं, जनधन। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए हमने क्या यूज किया? जनधन अकाउंट तो खोले जा रहे थे, वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी है, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन को और कैसे से अच्छा किया जाए इसके लिए एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, एक पूरा बोल सकते हैं एक समिट रखी गई जिसमें सब लोग आए, जिसका मेन पर्पस क्या था? फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए आप लोग नए नए तरीके ढूंढते जा रहे हैं। ये किसने ऑर्गेनाइज किया? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, आईपीपीबी, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंतर्गत आता है और ध्यान रखना ये 100% गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है, 100% गवर्नमेंट ओन्ड एंटिटी है, मतलब इसमें किसी का भी रोल वोल नहीं है। 2018 में इसको एस्टैब्लिश किया गया, सारे फैक्ट आपको इसमें मिल जाएंगे। इसके बाद एक नया टर्म है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, ये आरबीआई पब्लिश कर रहा था। और इसकी खास बात क्या है? अगेन 21 तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है, इसके लिए कोई बेस लेयर नहीं लिया गया, बस इतना फैक्ट ध्यान रखना। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स आरबीआई पब्लिश कर रहा है और ये कैसा इंडेक्स है? इसके लिए कोई बेस लेयर नहीं है। बेस लेयर का कांसेप्ट क्या होता है कि हम एक बेस लेयर लेते हैं जहां से कंपैरिजन करते हैं, इसके लिए कोई बेस लेयर नहीं है, ये आरबीआई पब्लिश कर रहा होता है। नेक्स्ट है ग्लास क्लिफ, नया टॉपिक है ग्लास क्लिफ, सैफ नया कॉन्सेप्ट है ग्लास क्लिफ। मैं खुद ही बता के थोड़ी बोल गया, बताओ तब तो कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। इसमें एक वुमेन स्टीरियोटाइप है, मतलब कि ये एज्यूम किया जा रहा है कि गर्ल्स हैं वो अच्छे तरीके से लीडरशिप को प्रमोट नहीं कर सकते। होता क्या है, जब खतरनाक सिचुएशन हो, रिसेशन आ रहा, मंदी चल रही है एकदम, उस समय क्या करते हैं? अच्छी अच्छी पोस्ट पे वुमेन को कर दिया, बड़ी पोस्ट के ऊपर वुमेन को अपॉइंट कर दिया। अब वुमेन पर अच्छी पोस्ट पर वुमेन को अपॉइंट करने के बाद क्या हुआ? रिसेशन है, ऑब्वियसली बात है, भड़बड़ा जाएगा सब कुछ, क्योंकि देखो हम कहते थे कुछ नहीं कर पाएंगे, हम कह रहे थे ना कुछ नहीं कर पाएंगे गर्ल्स। ये क्या है? नहीं ये रूल है, ये स्टीरियोटाइप है, इस तरह की स्ट्रेटेजीज को किया जाता है और ये जो बोला जाता है ना इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्लास प्ले, ठीक है। ग्लास प्ले एक तरह की स्ट्रेटेजी है जिसमें अनसर्टेन सिचुएशन, इमरजेंसी वाली सिचुएशन, खराब सिचुएशन में वुमेन्स को कहीं ना कहीं बड़ी पोस्ट के ऊपर अपॉइंट किया जाता है। नेक्स्ट है टेक्निकल रिसेशन, टेक्निकल रिसेशन। रिसेशन क्या होता? मंदी क्या होता? रिसेशन दो क्वार्टर, तीन क्वार्टर, दो क्वार्टर। देखो हम बोलेंगे जब लगातार दो क्वार्टर में जीडीपी डाउनग्रेड हो, कौन वाली, नॉमिनल या रियल? देखो जब लगातार दो कॉन्सिक्यूटिव मतलब साथ साथ कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर्स में जीडीपी डाउनग्रेड हो रही हो और साथ में और भी कुछ इकोनॉमिक पैरामीटर डाउनग्रेड हो रहा है, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो रहा है और भी क्या, फिलिप्स कर्व अच्छे तरीके से हिट कर रहा हूं, तो ऐसे सिचुएशन जब दो कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर्स में जीडीपी डाउनग्रेड जा रही हो साथ ही साथ दूसरे पैरामीटर भी डाउनग्रेड हो रहे हो,
वर्स्ट हो रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं रिसेशन। लेकिन टेक्निकल रिसेशन थोड़ा अलग है। जब डिफिनेशन पूछे, जब दो कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में जीडीपी डाउनग्रेड जाए, लेकिन यहां पे जीडीपी कौन सी है आपकी बात है, रियल जीडीपी, रियल जीडीपी जब जाए तो इसका मतलब क्या है, प्रोडक्शन टेंडेंसी कम हुआ होगा। रियल जीडीपी का मतलब क्या है, इन्फ्लेशन एडेड नहीं। तो जब रियल में रियल जीडीपी डाउनग्रेड जाए दो कंसेक्यूटिव, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेक्निकल रिसेशन। और ये कभी कभी कब होता है, ये कोई वो नहीं है, इसके लिए बहुत अच्छा वन ऑफ इवेंट बोला है। जब कोई वन ऑफ इवेंट हो, वन ऑफ इवेंट होता है तब इस तरह की सिचुएशन आती है। वन ऑफ इवेंट क्या होता है, जैसे कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए इमरजेंसी लाइक सिचुएशन, उसको वन ऑफ सिचुएशन बोलते हैं। वन ऑफ सिचुएशन होने पर जैसे कोविड आया था, लॉकडाउन लगा था, तो सारी स्थितियां रुक गई थी, रियल में प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेक्निकल रिसेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्या है, डूम लूप। Doom loop. What is doom loop? Doom loop. Doom loop को वैसे समझो कि एक ऐसा loop है जिसमें किसी एक step की वजह से पूरी economy कहीं ना कहीं गलत vicious cycle में फंस गई है। अब मैं कहता हूँ वो नया वाला जो step था वो start किसने किया, वो start कर रहा है bank। Bank क्या कर रहे हैं, जो lending करते हैं उस पे उन्होंने कॉन्ट्रैक्शन कर दिया है। मतलब बैंक का काम क्या है, लेंड करो, लेंड करोगे तो लोग उधार लेंगे, उधार लेंगे तो प्रोडक्शन पैदा होगा, ये रूल है बेसिस है। तो बैंक ने क्या किया कि लेंडिंग करने में कॉन्ट्रैक्शन कर दिया, कमी कर दी। अब जब लेंडिंग करने में कॉन्ट्रैक्शन उसने कर दिया है तो क्या होगा, उससे जब लोगों को लोन नहीं मिलेगा तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो इकोनॉमी गिरेगी, इकोनॉमी गिरेगी तो मार्केट वैल्यू गिरेगी, मार्केट वैल्यू गिरेगी तो रुपये के साथ बहुत सारी चीजें होंगी, ये चलती रहती, एक ही लूप चलेगा। और ये हुआ क्यों, क्यों बैंक ने लेंडिंग कम करना किया है, इसके पीछे रीजन बोला जाता है कि जो बैंक है उसको जो सोवरेन बॉन्ड होते हैं, सोवरेन बॉन्ड्स जो होते हैं, अब सोवरेन बॉन्ड क्या होते हैं, ऐसे बॉन्ड जो कि गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, सोवरेन बॉन्ड के प्राइस में वोलेटिलिटी है, वोलेटिलिटी है, सोवरेन बॉन्ड की प्राइस में वोलेटिलिटी ऊपर नीचे, और उसको मैनेज करने के लिए बैंक क्या काम कर रहा है, कह रहा है कि अपना जो पैसा है उसको लेंड आउट नहीं कर रहा है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इस सिचुएशन से बचने के लिए, इस सिचुएशन से बचने के लिए बैंक क्या कर रहा है, अपनी लेंडिंग में कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, और लेंडिंग में कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है तो लोगों को लोन नहीं मिल रहा, लोन नहीं मिल रहा तो वो अपना प्रोडक्शन नहीं बढ़ा पा रहा, प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा तो जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं बढ़ रही, जीडीपी ग्रोथ रेट नहीं बढ़ रही तो हमारी कॉम्पिटिटिवनेस नहीं बढ़ रही, ये एक साइकिल चल रही है। और ये लूप जो बनता है उसको हम लोग डूम लूप बोलते हैं। ये सिचुएशन कहां पर आ रही है, यूरोपीय यूनियन में आया है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल पता है क्या है, सिलिकॉन वैली बैंक, क्रेडिट स्विस, ये सब इसी चीज के एग्जांपल है, है ना, डूम लूप ये कुछ इसी तरह का, इज दैट क्लियर। डूम लूप इज अ सिचुएशन जहां पर सोवरेन बॉन्ड की वोलेटिलिटी की वजह से बैंक लेंडिंग करने में कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, जिसकी वजह से सारी चीजें फंस रही है। नेक्स्ट, क्रिएटिव इकोनॉमी। क्रिएटिव इकोनॉमी का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक सा, देखो क्रिएटिव इकोनॉमी का मतलब क्या है, बेसिक क्रिएटिव इकोनॉमी में एक चीज देखो, जैसे कोई पर्सन है ना, जैसे जनरल मेंटेन करते हो आप लोग, जनरल जानते हो, जनरल हाँ लेख नहीं देखो, एक क्या होता है, जनरल क्या होता है, हम लोग डायरी मेंटेन करते हैं, डायरी ही होती है, लेकिन वो एक पूरा प्लान होती है कि इस दिन आपने क्या किया, आपके क्या गोल थे। अब वो जनरल क्या होता है, लोग आपका लोग डायरी लेके आओगे उसको बनाओगे, लेकिन एक बनता है उसने बहुत कहा यार जनरल अच्छे तरीके से कैसे बनता है, और उसने उस तरीके को खोजा और उसको बेहतरीन तरीके से जनरल बनाया, और उस जनरल को पब्लिश करके सबको बेच रहा है, तो उसकी जो शिल्प है, उसकी जो कला है, उसकी वजह से वो आगे बढ़ रहा है अपनी कला की वजह से। अब एक पर्सन ने हिप हॉप डांस करता है, हिप हॉप डांस करता है, अब वो हिप हॉप डांस को उसने क्या किया, पैसा कमाया जा सकता है, तो उसने कुछ वीडियोस बनाया और वीडियोस बनाने के बाद ऑनलाइन डाल दिया और लोगों ने उसको देखा, और उसके इस क्रिएटिविटी की वजह से उसको पैसा मिल रहा है। इसी तरीके से कोई एक बहुत अच्छी आर्ट जानता है, आर्ट जानता है, उस आर्ट को उसने प्रमोट किया, उस आर्ट को प्रमोट कर रहा, उसे वो पैसा जनरेट कर रहा। तो इस तरह की जो इकोनॉमी है वो क्या हो रही है आपकी, क्रिएटिव इकोनॉमी।
क्रिएटिविटी की वजह से जो चीजें बढ़ रही है वो क्रिएटिव इकोनॉमी। और इसी का सबसे बेस्ट एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी ले सकते हो, लेकिन वो बहुत ब्रॉडर मीनिंग में आएगा। छोटे छोटे से एग्जांपल है कि जब आपकी स्किल, आपके क्राफ्ट, इस सब चीजों को हम टेक्निकल वे में यूज करते हुए पैसा जनरेट करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रिएटिव इकोनॉमी। और फैक्ट इतना अच्छा है कि इंडिया ने शायद एक फैक्ट दिया हुआ है कि 2019 में कितनी बड़ी ये था, $121 बिलियन की बराबर चीजों को एक्सपोर्ट किया है। कितना? 121। Is that clear? तो क्रिएटिव इकोनॉमी के बारे में ये ट्विन सिटी डेवलपमेंट बकवास कॉन्सेप्ट है, अर्बन ट्रेंड की महाबकवास कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, इसको आप लोग देख लेना। कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? न्यूयॉर्क सबसे महंगा है, सिंगापुर दूसरे नंबर पर आता है। बहुत ज्यादा बॉदर होने की जरूरत नहीं है। डेवलप्ड कंट्री बनने के लिए पंच प्राण लिए गए हैं, पंच प्राण को याद कर लेना। कब तक बनना है? 25 सालों में बनना है, अपने आपको डेवलप कंट्री में कन्वर्ट करना है। मोदी जी ने देखा है बहुत कस के, ठीक है। और एक लास्ट में क्या है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी फंड, ये इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी फंड FIF, ये क्या है ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी फंड है, ये ऐसा बनाया गया है कि अगर कोई इमरजेंसी लाइक सिचुएशन आ जाए लाइक कोविड, तो हमारे पास एक ऐसा फंड होना चाहिए जो कि इसके लिए हम प्रिपेयर हैं। अगर जरूरत पड़े तो हम उस फंड से पैसा निकाल के देंगे। तो यहां पे वर्ड यूज हुआ है कि पेंडेमिक प्रिवेंशन प्रिपेयर्डनेस एंड द रिस्पॉन्स, PPR। क्या है? पेंडेमिक प्रिवेंशन प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स फंड, ये बनाया गया है जिसको फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी फंड बोला जा रहा है। ये किस चीज के ऊपर काम करता है? PPR के ऊपर काम कर रहा है कि ऐसा फंड बनाया जाए। और इंडिया इसका मेंबर है, इंडिया इसका मेंबर है, इसी वजह से हम लोग बना रहे हैं। ध्यान रखना, अब इसमें दो इंपॉर्टेंट बॉडीज हैं जो कि नाम में आ रही हैं, वो है इसको फोर्स करना वर्ल्ड बैंक, और इसमें टेक्निकल सपोर्ट कौन दे रहा है आपका, WHO। दो इंपॉर्टेंट बॉडी है जो इसमें नाम आ रही है। FIF फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी फंड जो है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरी फंड जो है वो एक ऐसा फंड प्रिपेयर किया जा रहा है जो कि कभी पैंडेमिक आ जाए तो उसके लिए हम लोग प्रिवेंट कर सके, प्रिपेयर रहे और उस पर रिस्पॉन्स कर सके, PPR कर सके। इसको होस्ट कौन कर रहा है? वर्ल्ड बैंक। और कहीं ना कहीं इसमें जो रोल प्ले कर रहा है, टेक्निकल सपोर्ट कौन कर रहा है? WHO कर रहा है। एक लास्ट कॉन्सेप्ट और ये है ट्विन ट्रांजिशन, अच्छा कॉन्सेप्ट है ट्विन ट्रांजिशन। ये क्या है ट्विन ट्रांजिशन? क्या है देखो, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो भी चल रही है, फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में इस चीज की बहुत कमी को महसूस की, मतलब इस चीज को बहुत फील किया गया। इसमें क्या हुआ कि एक तरफ आपका डेवलपमेंट है, डेटा है, टेक्नोलॉजी है, और दूसरा है सस्टेनेबिलिटी। यहाँ पे टेक्नोलॉजी, डेटा, सब चीज को यूज, डिजिटली सब कुछ यूज करना है, लेकिन साथ ही साथ क्या करना है, हमें सस्टेनेबिलिटी को भी अचीव करना है। तो एक तरफ एनवायरनमेंट को भी बचा के रखना है, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट भी बनाना है, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी को बढ़ाना है, तो क्या ये हाथ कभी मिल सकता है? तो बोला गया है कि अगर हमने इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों का ट्रांजिशन कर दिया, तो इतनी ज्यादा जॉब्स क्रिएट होगी, इतना हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। कहने का मतलब कि इनको टेक्निकल चीजों को, डिजिटल और जो इस चीज को अलग से और सस्टेनेबिलिटी को अलग से मत देखो, इनको आपस में मिला, और इनको जब मिलाओगे ना तो इसकी वजह से आउटकम तो अच्छा है ही है, साथ ही साथ जो बीच के मीन वाइज लोग हैं उनको भी बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, बहुत सारी जॉब क्रिएट होगी। हो सकता है कोई एनवायरमेंटलिस्ट हो जिसको टेक्निकल में थोड़ी नॉलेज हो तो उसको वहां पे जॉब मिल जाएगी, टेक्निकल वाला एनवायरमेंट में कुछ नॉलेज हो तो उसको वहां पर जॉब मिल जाएगी। तो पॉइंट ये, ट्विन ट्रांजिशन का मतलब क्या है, जब हम लोग डिजिटली और सस्टेनेबल चीजों को आपस में मिलाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो उससे आउटकम भी अच्छे आएंगे और साथ ही साथ बहुत ज्यादा जॉब ओरिएंटेशन भी हो रहा होगा। इज दैट क्लियर? Any doubt? So this is the end of first part of your previous research. I hope ki cheeze samajh mein aaye hogi, nahi samajh aaye hogi to fir se puch lena, totally dependent hai. Any question? Suresh? Lal? Sir? Koi dikkat? Pehle dusra topic thoda sa ajeeb sa hai, lekin wo padha hoga to theek hai, nahi padha hoga to bhi theek hai na, usko karne ki koshish karna, baki kal dusra wala topic rahega, ek baar padh ke zarur aana, hai na? Okay, thank you very much. See you in the next class.